See, in this lecture, we will talk about Gore's conceptualization of caste. Right? It is going to be a long lecture. ठीक है. Basically, Gore का जो major caste के बारे में जो major theme है, he basically talks about the features of caste system. He talks about 6 features of caste system. So I'm not going to talk about these features of caste system right now. I'll be talking about these 6 features of caste system that Gore came forward with in his book Caste and Race in India. We'll be talking about or dealing with it later on when I'll be talking about caste system. जब हम caste system की unit को पढ़ेंगे तब हम इसको elaborate manner में cover करेंगे. Right now I'll not be talking about this. I'll talking about all other aspects of caste. Right? Some basic aspects of caste that Gore talked about. Right? हम उन सारी चीज़ों को explore करेंगे. But that features of caste systems are very important. अगर question आता related to Gore's perspective on caste, then it is absolute necessity that you include those features of caste system within your answer. तो lecture का क्या रहेगा, brief structure is, firstly I will be talking about caste and race in case of India. As we already studied that Gore's PhD was on caste and race, that is known as caste and race in India. How caste is linked to race? Is caste a product of race? Caste का origin कैसे हुआ है, वो हम इसमें एक्सप्लोर करेंगे. कास्ट का ओरिजिन कैसे हुआ है, कैसे इंडियन सोसाइटी केम टू बी डिवाइडेड इनटू 4 डिफरेंट वर्णास, वो हम इसको एक्सप्लोर करेंगे. तो इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन दिस, Gore लुक्स फॉरवर्ड टू द रेशियल थियरी ऑफ कास्ट. राइट? Gore ओवरऑल एक्सेप्ट्स द ओवरऑल बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ रेशियल थियरी ऑफ कास्ट पुट फॉरवर्ड बाय हर्बर्ट रिजले, पर उसको क्रिटिसाइज और कुछ तरीके से उसको पार्शियली एक्सेप्ट करते हैं और उसको काफी रिफ्यूट और क्रिटिसाइज भी करते हैं, वो भी देखेंगे. ठीक है. रेशियल थियरी ऑफ कास्ट इज इन टर्न बेस्ड ऑन आर्यन इन्वेजन थियरी प्रोपाउंडेड बाय मैक्स मिलर. तो यहाँ पे हम काफी अच्छे आर्ग्यूमेंट्स एक्सप्लोर करेंगे. राइट? एंड आई होप यू विल बी एंजॉइंग दोज आर्ग्यूमेंट्स. राइट? देन वी विल टॉक अबाउट Gore's पर्सपेक्टिव ऑन अनटचेबिलिटी. अनटचेबिलिटी Gore आर्ग्यूज इज बेस्ड ऑन द सेंट्रल टेनेट ऑफ हिंदुइज्म, दैट इज द डिस्टिंक्शन बिटवीन प्योरिटी एंड पोल्यूशन, द डिस्टिंक्शन बिटवीन प्योर एंड इम्प्योर, and keeping the pure and impure worlds separate. Right? So that is how untouchability emerged in case of India. यहाँ पे हम चांडाल्स की भी बात करेंगे. How did चांडाल्स का कैसे origin रहा? These are untouchables, right? ये सब explore करेंगे. फिर हम देखेंगे Gore advocate some reform measures. Gore was absolutely in favor of eradication of untouchability. He wanted to undermine casteism in India because he wanted to integrate all the people of different castes in Hindu fold and to generate unity and solidarity within the Hindus. Right? He considered Indians as Hindus. Right? He considered Muslim and Christians as foreigners or invaders. Right? Char reforms hai, wo unke bare mein padhenge. Theek hai? इनको आप किसी भी आंसर में लिंक यूज कर सकते हो ऐसे में. राइट? इट इज गोइंग टू बी वेरी इनरिचिंग लेक्चर, आई होप सो. देन अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, कास्ट पेट्रियोटिज्म. राइट? कास्ट पेट्रियोटिज्म और हॉरिजॉन्टल सॉलिडेरिटी ऑफ कास्ट की बात करेंगे. दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड मल्टीपल टाइम्स. राइट? दे हैव आस्क्ड अबाउट हॉरिजॉन्टल सॉलिडेरिटी ऑफ कास्ट, सब्सटेंशियलाइजेशन ऑफ कास्ट. राइट? तो वी विल बी एक्सप्लोरिंग दिस कंसेप्ट ऑफ कास्ट पेट्रियोटिज्म. हम रिजर्वेशन के बारे में भी पढ़ेंगे कि Gore के रिजर्वेशन के बारे में क्या व्यूज थे, और अल्टीमेटली वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस टर्मिनोलॉजी ऑफ व्हाट इज हॉरिजॉन्टल सॉलिडेरिटी ऑफ कास्ट. राइट? ये जो टर्मिनोलॉजी दी थी एम एन श्रीनिवास ने दी थी. एम एन श्रीनिवास टॉक्स अबाउट टू काइंड्स ऑफ सॉलिडेरिटी विद इन कास्ट. वन इज वर्टिकल सॉलिडेरिटी ऑफ कास्ट एंड वन इज हॉरिजॉन्टल सॉलिडेरिटी ऑफ कास्ट. बोथ आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. तो हम देखेंगे हाउ इज वर्टिकल सॉलिडेरिटी ऑफ कास्ट इज डिफरेंट फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल सॉलिडेरिटी ऑफ कास्ट. सो नाउ वी विल स्टडी अबाउट Gore's कंसेप्चुअलाइजेशन ऑफ रेस एंड कास्ट. मेनली इन टूडेज लेक्चर हम कास्ट के बारे में ही पढ़ेंगे. ठीक है? तो Gore का जो वर्क है रिलेटेड टू कास्ट, ठीक है, इट इज मेजरली ड्रॉन फ्रॉम हिज PhD थीसिस. Gore ने जो PhD थीसिस लिखी थी while he was in Cambridge University, right? When he was doing his PhD, he wrote a thesis, ठीक है, caste and race in India. उसके basis पे ही आज का lecture, it mostly relates to that thesis. और उनकी जो यही thesis, it got so much popularity, it received so much attention, ठीक है, कि उसकी basis पे the publishers decided to publish this thesis in the form of a book. ठीक है, इन 1932 में दिस बुक गॉट पब्लिश्ड. ठीक है? सो सबसे पहले हम देखते हैं
कि गोरे, राइट, ऑन कास्ट, ठीक है, पूरा लेक्चर आज का कास्ट के बेसिस पे, कास्ट के बारे में होगा कि गोरे कास्ट के बारे में क्या बात करते हैं, राइट, ठीक है. सो गोरे इन हिज मोस्ट इन्फ्लुएंशियल इन्फ्लुएंशियल वर्क, राइट, और इस वर्क, एज आई सेड, दिस गॉट पब्लिश इन द फॉर्म ऑफ बुक, राइट, दैट इज आई एम टॉकिंग अबाउट हिज बुक कास्ट एंड रेस इन इंडिया. ठीक है, तो इसमें गोरे क्या बात करते हैं. इन दिस वर्क गोरे ही ट्रेसेस द इंटरलिंकेज बिटवीन कास्ट एंड रेस इन इंडिया. हाउ इज कास्ट कनेक्टेड टू रेस. ठीक है, नाउ गोरेज अप्रोच टू कास्ट and its interlinkage with the race, right? This basically is dependent on, or it is based on, racial theory of caste, right? It is based on racial theory of caste. So in his work, in this work, he accepts or subscribes to right, he accepts the or subscribes to overall basic framework overall basic framework of racial theory of caste. ठीक है, तो overall he subscribes to or overall he accepts the basic framework, ठीक है, of racial theory of caste. ठीक है, तो गोरे की जो थ्योरी है या इस वर्क रिले ऑन कास्ट एंड इट्स इंटरलिंकेज विद रेस, राइट, इट इज ड्रॉन फ्रॉम द बेसिक वर्क और द थ्योरी ऑफ रेशियल थ्योरी ऑफ कास्ट. ठीक है, ये किसने प्रपाउंड की थी. दिस वॉज प्रपाउंड बाय हर्बर्ट रिसले. दिस रेशियल थ्योरी ऑफ कास्ट इट वॉज प्रपाउंडेड बाय हर्बर्ट रिजले. क्या थे, ही वॉज द कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर. ठीक है, ही वॉज अ ब्रिटिश सिविल सर्वेंट. ठीक है, हु वॉज पोस्टेड इन इंडिया. ही वॉज अ कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर, राइट, या फिर हम बोल सकते हैं ही वॉज फ्रॉम इंडियन सिविल सर्विसेज, अ ब्रिटिश सिविल सर्वेंट हु वॉज पोस्टेड इन इंडिया. प्लस ही हैड डीप इंटरेस्ट इन इथनोग्राफी, राइट, ही वॉन्टेड टू स्टडी लोकल कल्चर्स. ठीक है, एंड टू ऑब्जर्व दीज लोकल कल्चर्स क्लोजली. तो इथनो, ही वॉज ऑल्सो एन इथनोग्राफर. ठीक है, वो ऑब्जर्वड और स्टडीड कास्ट, मल्टीपल कास्ट एंड ट्राइब्स, राइट, ही स्टडीड मल्टीपल कास्ट एंड ट्राइब्स इन इंडिया, राइट. सो ही वॉज ऑल्सो closely observing
various caste and tribes in India, right? Writing on caste and tribes in India. So he was also an anthropologist, right? Who was basically using ethnography as an approach, right? To study these caste and tribes, ठीक है? और उसके बेस इसी के बेसिस पे he came up with this theory of racial theory of caste, ठीक है? लेकिन इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो racial theory of caste है इसको घुरे ने this is the key concept that घुरे accepted मतलब इसका ओवरऑल बेसिक फ्रेमवर्क तो एक्सेप्ट किया बट ही डिड नॉट कंप्लीटली एक्सेप्टेड दिस थियरी नाउ दिस इज द की पॉइंट एंड दिस इज हाउ घुरे ऑल्सो क्रिटिसाइजेज रेशियल थियरी ऑफ कास्ट ठीक है ही एक्सेप्टेड और वी कैन से घुरे आर्ग्यूड दैट रेशियल थियरी ऑफ कास्ट राइट आई एम यूजिंग दिस एब्रीविएशन रेशियल थियरी ऑफ कास्ट आई विल बी यूजिंग दिस एब्रीविएशन फ्रॉम नाउ ऑन ठीक है रेशियल थियरी ऑफ कास्ट हैज लिमिटेड एप्लीकेबिलिटी रेशियल थियरी ऑफ कास्ट हैज लिमिटेड एप्लीकेबिलिटी ठीक है कैसे हम इसको बाद में एक्सप्लोर करेंगे ठीक है ही सेज कि इट हैज लिमिटेड एप्लीकेबिलिटी और कैसे लिमिटेड एप्लीकेबिलिटी है वी विल एक्सप्लोर दिस पॉइंट लेटर राइट सो ही एक्सेप्ट्स दिस थियरी ओनली पार्शली दैट इज ही एक्सेप्ट द ओवरऑल बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ द थियरी बट ही सेज दिस थियरी हैज लिमिटेड एप्लीकेबिलिटी इन केस ऑफ इंडिया और ये कैसे है हम लेटर ऑन इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर दिस पॉइंट ठीक है सो ही ऑल्सो वी कैन से क्रिटिसाइज दिस थियरी ठीक है नाउ What is a racial theory of caste? तो सबसे पहले racial theory of caste क्या है Racial theory of caste, right? ठीक है it is conceptually based on Aryan invasion theory. ठीक है Racial theory of caste, Aryan इन्वेजन थियरी पे बेस्ड है आर्यन इन्वेजन थियरी पे रेशियल थियरी ऑफ कास्ट बेस्ड है राइट ठीक है सो रेशियल थियरी ऑफ कास्ट इज बेस्ड कंसेप्चुअली बेस्ड ऑन आर्यन इन्वेजन थियरी और आर्यन इन्वेजन थियरी किसने प्रपाउंड की थी आर्यन इन्वेजन थियरी वॉज प्रपाउंडेड बाय हमने देखा था बाय द जर्मन ओरिएंटलिस्ट और इंडोलॉजिस्ट मैक्स म्यूलर ठीक है तो रेशियल थ्योरी ऑफ कास्ट मींस इट सेज इट टॉक्स अबाउट ओरिजिन ऑफ कास्ट कास्ट जैसा जो इंस्टीट्यूशन है उसका ओरिजिन कैसे हुआ इंडिया में राइट इट टॉक्स अबाउट इट सेज कि कास्ट इज अ प्रोडक्ट ऑफ कास्ट इज अ प्रोडक्ट ऑफ रेस ठीक है इट सेज कास्ट डिस्टिंक्शंस आर बेस्ड ऑन रेशियल डिस्टिंक्शन तो यहां पे हो क्या रहा है सी व्हाट इज हैपनिंग हियर कि
हर्बर्ट रिस्ले ही वॉज पोस्टेड इन इंडिया कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर ही वॉज डेली डीलिंग विद पीपल ऑफ इंडिया देयर कल्चर ठीक है ही वॉज इंडियन सिविल सर्वेंट बट ही ऑल्सो वॉज वी कैन से हैड अ कीन इंटरेस्ट इन ऑब्जर्विंग द कल्चर ऑफ दीज पीपल्स राइट सो ही वॉज ऑल्सो इंटरेस्टेड इन एंथ्रोपोलॉजी एंथ्रोपोलॉजी में इथनोग्राफी राइट कि यू आर डायरेक्टली ऑब्जर्विंग द कल्चर ऑफ दीज पीपल्स ठीक है यू आर नोटिंग डाउन योर फाइंडिंग्स यू आर ऑब्जर्विंग दीज कल्चर्स दीज कास्ट एंड दीज मल्टीपल ट्राइब्स इनको ऑब्जर्व करने के बाद रिस्ले हर्बर्ट रिस्ले राइट ही केम टू द कंक्लूजन दैट डिफरेंट कास्ट हैव डिफरेंट रेशियल फीचर्स उसने जब ऑब्जर्व किया तो उसने ये पाया कि जो डिफरेंट कास्ट हैं उनकी डिफरेंट डिफरेंट रेशियल फीचर्स हैं डिफरेंट कास्ट हैव डिफरेंट फिजिकल अपीयरेंसेस ठीक है दिस इज व्हाट ही सेड कि डिफरेंट कास्ट हैव डिफरेंट रेशियल फीचर्स राइट सो जब वो इथनोग्राफी और ऑब्जर्वेशन कर रहा था दिस इज वॉज हिज कंक्लूजन कि डिफरेंट कास्ट हैव डिफरेंट रेशियल फीचर्स डिफरेंट कास्ट हैव डिफरेंट फिजिकल अपीयरेंसेस सो ही वॉज ऑफ द व्यू कि कास्ट इज समहाउ लिंक्ड टू रेस ठीक है हर्बर्ट रिस्ले वॉज ऑफ द व्यू कि कास्ट इज समहाउ लिंक्ड टू रेस नाउ हाउ कम यू प्रूव दैट कास्ट इज लिंक्ड टू रेस देन ही सब्सक्राइब्ड टू और वी कैन से देन ही टुक अ लुक इन टू आर्यन इन्वेजन थ्योरी राइट इट वॉज अ मेजर थ्योरी उस टाइम पे एक मेजर थ्योरी थी राइट एक मेजर व्यू पॉइंट था और मैक्स म्यूलर अपने आप में ही उस टाइम पे बहुत बड़े स्कॉलर थे काफी उनको माना जाता था ठीक है सो दिस थ्योरी वॉज वेरी पॉपुलर तो रिस्ले टुक द हेल्प ऑफ दिस थ्योरी इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन दिस ऑब्जर्वेशन राइट आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस तो वट इज आर्यन इन्वेजन थ्योरी एंड हाउ ही इज एक्सप्लेनिंग दैट कास्ट एंड कास्ट इज इंटरलिंक्ड विद रेस ऑन द बेसिस ऑफ दिस थ्योरी Now we are going to explore this. ठीक है Now आप बोल सकते हो this is racial theory of caste, इसी का ही continuation है हमने देखा कि how Aryans Aryans who were the original inhabitants आर्यंस क्या थे ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स थे इनहैबिटेंट्स ऑफ सेंट्रल एशिया राइट सेंट्रल एशिया का जो स्टेपी रीजन है वहां से वो बिलोंग करते थे ठीक है नाउ दिस थ्योरी सेज दैट आर्यंस स्टार्टेड राइट आर्यंस राइट इन मल्टीपल वेव्स ऑफ माइग्रेशन राइट आर्यंस वी कैन से दे स्टार्टेड पोरिंग राइट वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में दे स्टार्टेड एंट्रिंग ठीक है दे स्टार्टेड एंट्रिंग द इंडियन सब कॉन्टिनेंट और दे स्टार्टिंग पोरिंग इन टू द इंडियन सब कॉन्टिनेंट में वो आने लगे थे started pouring into the Indian subcontinent around 2500 BCE ठीक है migration हुआ and they started coming to the Indian subcontinent actually में क्या हुआ था due to various reasons these Aryans were settled in the Central Asian large steppe grasslands they were continuously on the moves they were pastoral people so they were continuously on the move right they were not settled at one place they were continuously on the move and due to various factors these Aryans or inki different branches they started moving in different places so one of the branches it started settling in Europe one of the branches came to Iran
राइट, एंड दिस ब्रांच इन टर्न केम टू इंडिया. ठीक है, नाउ दिस प्रोसेस स्टार्टेड हैपनिंग अराउंड 2500 BCE. ठीक है, एंड दिस प्रोसेस, राइट, दिस प्रोसेस ऑफ माइग्रेशन, राइट, दिस वर देर वर मल्टीपल वेव्स ऑफ माइग्रेशन, राइट, तो आर्यंस कम इन मल्टीपल वेव्स. ठीक है, जैसे सुनामी आती है तो सारी एक बार नहीं आती, राइट, एक वेव आती है, दूसरी वेव आती है, ऐसे करके मल्टीपल वेव्स में सुनामी आती है. सो मल्टीपल वेव्स में आर्यंस आए, राइट, सो दे आर्यंस दे स्टार्टेड माइग्रेटिंग टू इंडिया इन मल्टीपल वेव्स ऑफ माइग्रेशन, एंड दिस प्रोसेस ऑफ पोरिंग ऑफ इंडियन इन टू द इंडियन सबकॉन्टिनेंट विच स्टार्टेड अराउंड 1500 BCE, इट कंटिन्यूड for at least a millennia, that is at least 1000 years this process went on, right, up to you can say at least a millennia, 1000 years तक ये चला ये process. Ultimately the Aryans got settled into the Indian subcontinent. So one thing that you have to remember here, that India at this point, India at this point was not an empty space. Empty space, right? और वो जब आ रहे हैं तो they are basically entering the and settling into the northwest portion of India between Indus and Ganga, right? India was not an empty space, right? Rather, India was inhabited by the Aboriginals, native, or we can say indigenous people. Indigenous people. तो ये जो indigenous people थे जो already India में थे, इनको बोला गया दासाज और दाशूज. ठीक, तो यहां पे क्या बोलते हैं कि आर्यंस, इट वॉज नॉट एन एम्प्टी स्पेस, एंड दैट इज हाउ आर्यंस व्हेन ड्यूरिंग माइग्रेशन दे केम इनटू कॉन्फ्लिक्ट विद दासाज. आर्यंस और दासाज का कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ. ठीक है, अब यहां से मेजर फ्रेमवर्क आता है रेशियल थ्योरी ऑफ कास्ट का, और आर्यन इन्वेजन थ्योरी से कैसे लिंक्ड है. सी, रेशियल थ्योरी ऑफ कास्ट क्या बोलती है कि आर्यंस इमर्ज्ड एज विनर्स in this conflict. ठीक है, एंड देयर आफ्टर आर्यंस आई विल यूज द वर्ड ए आर्यंस सब्जुगेटेड द दासाज. आर्यंस subjugated the Dasas. ठीक है, तो in turn we can say Aryans subjugated the Dasas, that is Aryans extended dead end menial occupations टू दासाज. ठीक है, दासाज जॉब वाज, दासाज व्हाट आर दीज ऑक्यूपेशंस और जॉब वाज टू सर्व, दिस इज द कीवर्ड, टू सर्व द आर्यंस. दासाज नीडेड टू सर्व द आर्यंस, सो दासाज वर मेड द सर्वेंट्स.
ठीक है। तो इनिशियली आप देखोगे, इनिशियल डिस्टिंक्शन क्या थी यहां पे सोसाइटी में, अभी क्या डिस्टिंक्शन चल रही है, ठीक है, अभी क्या डिस्टिंक्शन है लोगों के बीच में, और कौन कौन सी सोशल क्लासेस है इंडियन सोसाइटी में, ठीक है। सो वन थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर इज आर्यंस, नाउ दिस इज द की पॉइंट, आर्यंस कॉन्स्टिट्यूटेड, आर्यंस वी कैन से आर्यंस एंड दासाज कॉन्स्टिट्यूटेड टू डिफरेंट रेसेस, आर्यन और दासास दो अलग अलग रेस थी, दोनों की अलग अलग फिजिकल अपीयरेंस थी, ठीक है, दे हैड डिफरेंट फिजिकल अपीयरेंसेज। जैसे हम बोल सकते हैं कि आर्यंस और दासास के बीच में क्या फिजिकल डिफरेंसेस थे, वेरेज आर्यंस दे वर फेयर इन कलर, दे वर फेयर इन कलर, ठीक है, वेरेज दासास द लोकल इनहेबिटेंट्स दे वर डार्कर इन कलर, दे वर डार्कर इन कलर। फर्स्ट पॉइंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आर्यंस वर दे हैड अ शार्प पॉइंटेड नोज, आर्यंस हैड अ शार्प पॉइंटेड नोज, ठीक है, वेरस दासास हैड अ राउंड, वी कैन से स्नब्ड एंड राउंडेड नोज, स्नब्ड एंड राउंडेड नोज, ठीक है। सो वन इज द नेसल फीचर, इसको बोलते हैं नेजल इंडेक्स, ठीक है, दे हैड डिफरेंट नेजल इंडेक्सेस, नेजल फीचर्स, और यही मेज जब यहां पे रिसले ऑब्जर्व कर रहे थे लोगों को डिफरेंट कास्ट के, तो वो बोल रहे थे कि उनका बेसिकली वो क्या कर रहे थे, ही वॉज मेजरिंग दिस नेजल इंडेक्स, राइट, शेप ऑफ नोज, ही वॉज मेजरिंग द फोरहेड, ठीक है, साइज ऑफ द स्कल, स्कल का क्या साइज है, तो डिफरेंट रेसेस हैव डिफरेंट स्कल साइजेस, डिफरेंट नेजल फीचर्स, ठीक है, जैसे अफ्रीकन्स की नेजल फीचर्स विल बी डिफरेंट फ्रॉम द यूरोपियंस, तो शार्प पॉइंटेड नोज, स्नब्ड एंड राउंड नोज, ठीक है, एंड आर्यंस वर टॉलर, कंपैरेटिवली टॉलर, वेयर एज दासास और दासास वर शॉर्टर, ठीक है, दास वर्ड ओरिजिनली दे दासा जो वर्ड है वो बेसिकली एक्सटेंड किया है आर्यंस ने, दास इन टर्न मीन्स अ सर्वेंट, राइट, एक डिफरेंट कॉनोटेशन भी है हिस्ट्री में, बट आई एम नॉट गोइंग इन टू दैट डिफरेंट कॉनोटेशन ऑफ दासास और दासूज में क्या डिफरेंस है, ठीक है, वो आप हिस्ट्री में पढ़ सकते हो, एंशियंट हिस्ट्री में देर आर वीडियोज ऑफ एंशियंट हिस्ट्री इन दिस चैनल विच यू कैन एक्सप्लोर, राइट, ठीक है, सो दीज आर टू डिफरेंट रेसेस, ठीक है। नाउ वी नीड टू सी कि अभी के टाइम पे, इफ आई टेक यू बैक एट टू दिस टाइम, यहां पे विच वर द सोशल क्लासेस इन सोसाइटी, ठीक है, यहां पे क्या डिस्टिंक्शन था डिफरेंट लोगों के बीच में, इज आर्यन सोसाइटी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, आर्यंस देर वॉज डिफरेंशिएशन विद इन द आर्यंस, राइट, देर वॉज डिफरेंशिएशन विद इन द आर्यंस, राइट, सोशल डिफरेंशिएशन विद इन द आर्यंस, एंड वट वॉज द सोशल डिफरेंशिएशन बिटवीन द आर्यंस विद इन द आर्यंस, कि आर्यंस वर इन टर्न वी कैन से क्लासिफाइड इंटू और डिफरेंशिएटेड इंटू, वन इज पहला जो है इज जिनको हम बोलेंगे प्रीस्ट, वन कैटेगरी ऑफ पीपल वर प्रीस्ट, ठीक है, और दीज वर बेसिकली स्कॉलर्स, राइट, और दे वर परफॉर्मिंग द प्रीस्टली फंक्शंस,
ठीक है. सेकंड वाज राजन्यास, राजन्यास, ठीक है. दीज आर बेसिकली वॉरियर एडमिनिस्ट्रेटर्स, वॉरियर एडमिनिस्ट्रेटर्स. ठीक है, या इनको आप, दीज वर लेटर नोन एज क्षत्रियाज. ठीक है, थर्ड कैटेगरी ऑफ पीपल वर द विस, विस, वी आई एस. ठीक है, विस का मतलब कॉमन पीपल, कॉमन पीपल. दीज वर द कॉमन पीपल, आम आदमी. तो आर्यंस कैसे डिवाइडेड थे, अगर आपने एंशियंट हिस्ट्री भी पढ़ा तो आपको पता होगा 1500 BC से 1000 BCE के बीच में जब ऋग्वेदिक सोसाइटी थी तो सोशल डिफरेंशिएशन इतना स्ट्रिक्ट और रिजिड नहीं था. ठीक है, आर्यन जो ट्राइब्स थे उन्हीं के अंदर क्लासिफिकेशन क्या था कि वन कैटेगरी ऑफ पीपल वर प्रीस्ट, सम बिकेम प्रीस्ट, सम बिकेम वॉरियर एडमिनिस्ट्रेटर्स और सोल्जर्स और किंग्स, राजन्यास. ठीक है, बाकी जो लोग थे वो आम आदमी थे, दे वर द कॉमन पीपल, दे वर नोन एज द विस, राइट. और यहां से ही वर्ड आया है, यहीं से ही लेटर वर्ड का ओरिजिन होगा, वैश्यास. ठीक है, नाउ हियर आई एम टॉकिंग अबाउट कि कैसे कास्ट का ओरिजिनेशन हो रहा है. ठीक है, प्रीस्ट, स्कॉलर्स और प्रीस्टली फंक्शंस, दिस राजन्यास. ठीक है, और देयर वर विस. ठीक है, नाउ द की पॉइंट हियर इज कि दिस सोशल डिफरेंशिएशन, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. इट वॉज नॉट बेस्ड ऑन बर्थ, इट वॉज नॉट बेस्ड ऑन बर्थ. ठीक है, अनदर की पॉइंट हेयर इज कि दिस सोशल डिफरेंशिएशन वॉज नॉट स्टैटिक, फिक्स्ड और रिजिड. दिस सोशल डिफरेंशिएशन वॉज नॉट स्टैटिक, फिक्स्ड और रिजिड. ठीक है, और ये कैसे पता चलता है, घूरे कोट करते हैं कि देर इज अ ऋग्वेदिक हिम्न. ऋग्वेदिक में जो ऋग्वेद लिखा गया है उसमें एक हिम्न है. तो हमने देखा था कि यूजिंग टेक्सुअल इंटरप्रिटेशन यू कैन डिटरमाइन द कंटेक्स्ट. ठीक है, तो ऋग्वेदिक हिम्न है उसमें क्या है, वो हिम्न क्या है, आई एम अ बार्ड, आई एम अ बार्ड, राइट. बार्ड इज अ यू कैन से अ म्यूजिशियन, राइट. ठीक है, अ स्पिरिचुअल काइंड ऑफ म्यूजिशियन हु कंटिन्यूअसली रोम्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, हु इज कंटिन्यूअसली वंडरिंग. ठीक है, दैट इज अ बार्ड. बार्ड को पोइट भी बोलते हैं. ठीक है, आई होप यू हैव सीन दैट मूवी इनसाइड ल्यूइन ल्यूइस, ऐसे करके कुछ नाम था उसका, राइट. आई एम नॉट एबल टू रिकॉल नाउ, बट उसको हम रफली बार्ड बोल सकते हैं. आई एम अ बार्ड और अ पोइट और अ सिंगर और वंडरिंग सिंगर. And he says, my father is a physician, that is, his father is a medical practitioner, and my mother grinds corn on stone. तो हम देख सकते हैं कि एक ही फैमिली में तीन डिफरेंट लोगों के तीन डिफरेंट चॉइसेस ऑफ ऑक्यूपेशन है. तो हम बोल सकते हैं इट वाज बेस्ड ऑन दिस चॉइसेस ऑफ ऑक्यूपेशन, इट वाज बेस्ड ऑन वॉलंटरीनेस. सो दीज वर नॉट फिक्स्ड कैटेगरीज. ठीक है, अगर आपने एंशियंट हिस्ट्री पढ़ी हो तो वॉरियर्स भी वही चुने जाते थे हु वर एबल एडमिनिस्ट्रेटर्स, हु वर एबल टू डिफेंड द ट्राइब, राइट. क्योंकि वहां पे हॉस्टिलिटी उस टाइम पे बहुत ज्यादा होती थी, एंड दीज वर चोजन बाय द पीपल. ठीक है, सो दिस वॉज द सोशल डिफरेंशिएशन अमंग द आर्यंस, बट इट वॉज नॉट फिक्स्ड, स्टैटिक और रिजिड. ठीक है, तो हमने देखने की कोशिश की कि आर्यन सोसाइटी उस टाइम पे क्या थी. ठीक है, तो यहां पे डिफरेंशिएशन क्या था, राइट. स्पेशली ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड, ड्यूरिंग द यू कैन से अर्ली वैदिक पीरियड या फिर ऋग वैदिक पीरियड. ठीक है, यहां पे क्या है, डिस्टिंक्शन, सोशल डिफरेंशिएशन हमने देखा कैसे था. दिस डिस्टिंक्शन वॉज बेस्ड ऑन वर्ण, मेजर डिस्टिंक्शन था सोसाइटी में, इट वॉज बेस्ड ऑन
बेस्ड ऑन वर्ण. वी कैन से सोशल डिस्टिंक्शन विल बी अ बेटर वर्ड टू यूज हियर. सोशल डिस्टिंक्शन वॉज बेस्ड ऑन वर्ण, ठीक है. और वर्ण मतलब इट लिटरली मीन्स, वर्ण लिटरली मीन्स कलर, लिटरली मीन्स कलर. तो बेसिकली एज वी सीन हेयर कि दिस डिस्टिंक्शंस विद इन द आर्यन कम्युनिटी दे वर नॉट शार्प रिजिड स्टेटिक और फिक्स्ड, दे वर क्वाइट मैलिएबल एंड डायनेमिक एंड दे वर बेस्ड ऑन वॉलंटरीनेस एंड चॉइस, राइट. सो बेसिक डिस्टिंक्शन इन सोसाइटी और शार्पर डिस्टिंक्शन ऑन सोसाइटी वी कैन सी अवर बिटवीन आर्यंस एंड दासूस. सो दिस डिस्टिंक्शन इन सोसाइटी वॉज बेस्ड ऑन वर्ण, दैट इज इट वॉज बेस्ड ऑन कलर, ठीक है. कलर डिस्टिंक्शन थी, दैट इज द डिस्टिंक्शन बिटवीन आर्यास एंड दासास. तो सोसाइटी यहां पे दो पार्ट्स में डिवाइडेड थी, वन वॉज आर्यंस एंड दासास, ठीक है, राइट. और दीज वर दीज डिस्टिंक्शन इन सोसाइटीज वर बेस्ड ऑन कलर एंड कलर इज क्वाइट मैनिफेस्ट, आपको डायरेक्टली विजिबल है कलर. तो आप कलर के बेसिस पे लोगों को सोसाइटी को डिफरेंशिएट कर रहे हो और इस कलर के बेसिस पे वन वर विनर्स वन वर लूजर्स एंड द विनर्स सब्जुगेटेड द लूजर्स एंड लूजर्स वर एक्सटेंडेड द डेड एंड मीनियल ऑक्यूपेशंस एंड द लूजर्स वर आस्क्ड, राइट, द दासास वर आस्क्ड टू सर्व द आर्यंस, ठीक है. आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड टिल नाउ. यहीं से पूरा ओरिजिनेट होगा पूरा का पूरा वर्ण कैसे और फर्दर डिस्टिंक्शन कैसे आती है. अब यहां से क्या हुआ, नाउ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम द ब्राह्मिन्स राइट विद इन द आर्यंस ब्राह्मिन्स और द प्रिस्टली क्लास राइट इट केम अप विद वेरियस सोशल रेगुलेशंस राइट एंड द मेजर एम्फसिस ऑफ दिस सोशल रेगुलेशन वॉज टू प्रिवेंट इंटरमिक्सिंग ऑफ आर्यंस एंड दासास बिकॉज आर्यंस कंसिडर देमसेल्स टू बी मच सुपीरियर. सो इनके बीच में आर्यंस क्या है, दे कंसिडर देमसेल्स टू बी सुपीरियर. And the priestly class or the scholarly class within the Aryans, they decided that there should be certain social regulations so as to prevent the intermixing of Aryans and Dasas. So, iski intermixing kaise hai? These Aryans and especially the priestly class, the Brahmins, they wanted to prevent intermixing of blood, right? To prevent intermixing, right, of blood. Intermixing of blood. They wanted to ensure racial segregation because Aryans considered themselves to be superior than Dasas, and they wanted to ensure racial segregation and to ensure racial purity of Aryans. तो इस intermixing को prevent करने के लिए सबसे best तरीका क्या है, एंडोगैमी, ठीक है. एंडोगैमी आया यहां पे कि हमें रेशियल इंटरमिक्सिंग क्या है प्रिवेंट करनी है, रेशियल सेग्रीगेशन प्रिवेंट करनी है, रेशियल प्योरिटी बना के रखनी है, ठीक है. वी शुड नॉट बी मिक्सिंग विद दासास, कंसीडर देमसेल्व्स टू बी देमसेल्व्स टू बी सुपीरियर एंड दासास टू बी इंफीरियर एंड दिस इज ओनली थ्रू एंडोगैमी टू प्रिवेंट सेक्सुअल रिलेशंस, राइट, टू प्रिवेंट इंटरमिक्सिंग, रेशियल इंटरमिक्सिंग. तो दिस इज हाउ एंडोगैमी इमर्ज्ड इन केस ऑफ इंडिया, ठीक है. ओरिजिनली क्या हुआ, इसी फीचर का लार्ज स्केल अडॉप्शन हुआ कंटिन्यूअसली, राइट. इट वॉज एंडोगैमी का और इसका फीचर का सेंट्रल फीचर का लार्ज स्केल अडॉप्शन हुआ. अल्टीमेटली हुआ क्या कि इनिशियली जो डिस्टिंक्शन थी
जो कि खाली दो वर्ण थे यहां पे, रिमेंबर हेयर देयर आर जस्ट टू वर्णास। यहां पे अब क्या हो गया, विद इन द आर्यन देमसेल्स सोसाइटी गेटिंग स्टार्टेड सेग्रीगेटिंग, आर्यन सोसाइटी इटसेल्फ गेटिंग स्टार्टेड सेग्रीगेटिंग, राइट। उसी में भी डिफरेंट कास्ट विल बी नॉट बी प्रॉपर वर्ड बट डिफरेंट क्लासेस, राइट, डिफरेंट सोशल क्लासेस, दे स्टार्टेड टू इंश्योर दैट उनके अंदर भी एंडोगैमी आ जाए, ठीक है, उनके अंदर में भी क्या है, लार्ज स्केल अडोप्शन एंड एक्सटेंशन ऑफ एंडोगैमी हुआ, एक्सटेंशन ऑफ एंडोगैमी, ठीक है। जो मैंने आपको डिफरेंट सेक्शन बताए थे, ब्राह्मिन्स, देन राजन्यास और विश, तो वहां पे भी एंडोगैमी स्टार्ट कर दी इन्होंने। तो एसेंशियली यहां पे क्या हुआ, एक्सटेंशन एंडोगैमी विद इन द आर्यन, अमंगस्ट द आर्यंस ऑल्सो, राइट, अमंगस्ट द ओरियंस, आर्यंस ऑल्सो। तो यहां पे अब होगा आपका कास्ट का इमर्जेंस, ठीक है, कास्ट वॉज इक्वेटेड विद वर्ण बाय द यूरोपियन स्कॉलर्स, हर्बर्ट रिजले, बाद में एम एन श्रीनिवास इस पॉइंट को क्रिटिसाइज करते हैं कि यू कैन नॉट लुक एट कास्ट थ्रू द व्यू पॉइंट ऑफ वर्णा, कास्ट एंड वर्णा टू डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। तो यहाँ पे अल्टीमेटली क्या है, एंडोगैमी क्या आ जाएगी, ब्राह्मिन्स में भी आ जाएगी कि वो अपने अंदर ही शादी करेंगे, बाकी आर्यंस जो है उनके साथ नहीं करेंगे, ठीक है, ब्राह्मिन्स, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। हुआ क्या, ब्राह्मीण, क्षत्रिय एंड वैश्यास, दीज वर नोन एज द, तो यहां पे हम पहले तो ये बोल सकते हैं कि नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस इन अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव मैनर, राइट। सो वी कैन से कि हाउ डिड दिस सोसाइटी इमर्ज, इज आप देखोगे कि आर्यंस और दासास के बीच में सेग्रीगेशन थी पहले, देयर वर टू क्लासेस, ठीक है, टू डिफरेंट क्लासेस, दीज वर द सोशल डिस्टिंक्शन, देयर वॉज फीचर ऑफ एंडोगैमी, एंड ब्राह्मिन्स दे सेपरेटेड themselves from the dasas in order to prevent, ensure their racial superiority and to maintain their racial purity and to prevent intermixing of blood, ठीक है। तो these were the distinctions. Now यही जो है इसी फीचर का लार्ज स्केल adoption हुआ amongst the Aryans. Aryans में हमने देखा था ब्राह्मिन्स, राजन्य, विश, इनकी फिर इनमें भी एंडोगैमी आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ड्यू टू दिस लार्ज स्केल अडोप्शन आर्यन सोसाइटी वॉज इन टर्न डिवाइडेड इन टू थ्री सेपरेट क्लासेस, ठीक है। तो यहाँ से क्या हुआ, दो की जगह अब यहाँ पे आ गया चार, दो की जगह चार क्लासेस आ जाएंगी, सोसाइटी गेट्स सेपरेटेड इन टू और डिवाइडेड इन टू फोर डिफरेंट सेक्शंस। तो आर्यंस में भी ब्राह्मिन्स, ठीक है, फिर आएंगे क्षत्रिय, जो आर्यन को मैंने बताया तो ऑलरेडी उसी के अंदर से निकल के आ रहा है, उन तीन क्लासेस आर्य, ब्राह्मिन्स, क्षत्रिय और ये वैश्य बन गए, ठीक है। सिंस आर्यंस वर सुपीरियर टू द्रविड़ास, सॉरी थ्रू द दासास, ठीक है, तो दासास को क्या बोला इन्होंने, फोर्थ बोल दिया, इनको बोल दिया शूद्र, सी दिस दासास वर शूद्र एंड दिस आर्यंस ओरिजिनल आर्यंस वर सो राइट, तो दासास वर शूद्र एंड ओरिजिनल आर्यंस वर दीज ब्राह्मिन्स, क्षत्रिय एंड वैश्य, ठीक है। तो यहां पे भी क्या है, अब नाउ दीज डिस्टिंक्शंस हियर, सी ये जो डिस्टिंक्शन थी इट वाज नॉट बेस्ड ऑन कलर, दीज वर ऑल आर्यंस, पर इस वर्ड का कंटिन्यूएशन जारी रहा, इसको भी क्या बोला गया, दिस इज नोन एज वर्णा। वर्णा इज बेसिकली डिवीजन ऑफ सोसाइटी इन फोर फोल्ड्स, इंडियन सोसाइटी इन फोर फोल्ड्स, ठीक है। इट वॉज बेसिकली बेस्ड ऑन वर्णा और कलर, पर इस वर्ड को क्या है, डिसकंटिन्यू गए, इसका कंटिन्यूएशन रहा, ठीक है। तो इंडियन जो वर्ण सोसाइटी है इट इज बेसिकली डिवाइडेड इन टू चार वर्ण, ब्राह्मीण वर्ण, क्षत्रिय वर्ण, वैश्य वर्ण, शूद्र वर्ण, ठीक है। नाउ अभी क्या है, अब क्या बोलना चाहते हैं ये कि यहां पे हुआ क्या, सी यहां पे क्या हुआ कि जो these were the we can say upper caste, these were the upper castes, ठीक है, these were the upper castes, ठीक है, these were the upper three varnas, right, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्या,
इनको क्या बोला जाता है, द्विज कास्ट। द्विज मतलब ट्वाइस बॉर्न, राइट। द फर्स्ट बर्थ इज इन टू वेन देर एक्चुअल फिजिकल बर्थ टेक्स प्लेस, राइट, दैट इज द फर्स्ट बर्थ। एंड सेकेंड बर्थ इज वेन दे वियर द सेक्रेड थ्रेड, जब वो क्या है सेक्रेड थ्रेड अपनी वेस्ट के अराउंड, सेक्रेड थ्रेड अराउंड द अराउंड देयर वेस्ट, राइट। दिस देयर इज अ सेरेमनी विच इज कंडक्टेड, राइट, टू इन वेन दीज पीपल वियर द सेक्रेड थ्रेड, वेन द चिल्ड्रन वियर द सेक्रेड थ्रेड, दिस इज नोन एज द उपनयन सेरेमनी, उपनयन सेरेमनी। और इसका मतलब क्या है कि दीज पीपल आर नाउ इंटाइटल्ड टू रिसीव नॉलेज, इंटाइटल्ड टू रिसीव विजडम एंड नॉलेज। तो जब आप विजडम और नॉलेज गेन करने जाओगे, दैट विल बी योर सेकेंड बर्थ, यू विल गेट एनलाइटनमेंट एंड इल्यूमिनेशन, यू विल गेट लाइट, राइट, नॉलेज एज अ लाइट। तो इट मीन्स दे आर इंटाइटल्ड टू रिसीव नॉलेज और विजडम और नॉलेज एट दैट पॉइंट वॉज बेस्ड ऑन वट, टू रीडिंग ऑफ वेदास, रीडिंग ऑफ वेदास। और सरस्वती, दयानंद सरस्वती तो बोलते ही है कि वेदास आर द फाउंटेन हेड ऑफ और स्टोर हाउस ऑफ ऑल नॉलेज, ठीक है। तो सोसाइटी का सेग्रीगेशन कैसे हो रहा है, ठीक है, तो दिस इज हाउ सोसाइटी वॉज सेग्रीगेटेड। वन वॉज दिस अपर कास्ट, वन वर दीज अपर कास्ट, द्विज बॉर्न ट्वाइस बॉर्न कास्ट, हु आर एंटाइटल्ड टू वियर द सेक्रेड थ्रेड, हु आर एंटाइटल्ड टू द ओपनयन सेरेमनी, दीज वर द ओरिजिनल आर्यंस, ठीक है। देन केम द लोअर कास्ट, देन केम द लोअर कास्ट, ठीक है। ये लोअर कास्ट कौन थे, दीज वर द दीज कॉन्स्टिट्यूटेड द शूद्रास, ठीक है। दे वर नॉट अलाउड टू रिसीव नॉलेज, दे वर नॉट इंटाइटल्ड टू नॉलेज, दे वर नॉट इंटाइटल्ड टू विजडम, सो दे वर फॉरबिडन द उपनयन सेरेमनी। So these were not twice born, right? These were twice born, these were not twice born. तो यहाँ पे क्या होगा, these were the दासाज, ठीक है। यहाँ पे मैं आर्यन इन्वेजन थ्योरी और रेशल थ्योरी को ही बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, these upper castes, what are they engaged in? These are the keywords. यहाँ पे आप इसको फुल फॉर्म दे सकते हो, स्पेस नहीं है तो आप अपने आप तरीके से, now upper castes are engaged in oppression of lower caste. They are engaged in subjugation of lower caste, domination of lower caste, subordination of lower caste, and suppression of lower caste. So this is racial theory of caste. This is the Aryan invasion, which was based on the Aryan invasion theory. ठीक है, अब यहाँ पे continuation क्या करते हैं कि यहाँ पे घोरे बोलते हैं कि जो रेपरकशंस थे, रेपरकशंस क्या रहे रेशियल थ्योरी ऑफ कास्ट के, रेशियल थ्योरी ऑफ कास्ट के, दैट इज क्रिएटेड, इट क्रिएटेड अपर कास्ट वर्सेस लोअर कास्ट डिवाइड, सोसाइटी को डिवाइड कर दिया गया अपर कास्ट और लोअर कास्ट में, मतलब उनके बीच में डिवीजन आ गई। जब ये थ्योरी जब लोगों को नहीं पता थी, राइट, ये आर्ग्यूमेंट्स नहीं पता थे, और ये आर्ग्यूमेंट्स जब इंडियन इंटेलेक्चुअल सीन में इंट्रोड्यूस किए गए, और ये आर्ग्यूमेंट्स जब थ्रू थ्रू नुक्कड़ नाटक्स, थ्रू जर्नल्स, थ्रू प्रेस, वर्नाकुलर प्रेस, दे गोट स्प्रेड टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, ठीक है, थ्रू द लीडर्स, कास्ट लीडर्स, दे गोट स्प्रेड टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। तो यहाँ पे कास्ट कॉन्शियसनेस लोगों के बीच में जागी कि अपर कास्ट आर डिफरेंट फ्रॉम द लोअर कास्ट, ठीक है, बिकॉज दीज आर टू डिफरेंट रेसिस, लोअर कास्ट आर शुद्र, राइट, दे आर बींग सब्जुकेटेड बाय द अपर कास्ट, हु आर दीज अपर वर्णाज, राइट, लोअर कास्ट आर ओरिजिनल दासाज एंड अपर कास्ट आर ओरिजिनली देवर द आर्यंस,
and they have subjugated us, and they are engaged in what? Oppression, subordination, domination, suppression, right? All these things, subjugation. So it created an upper caste and lower caste divided within the Indian society at the time of British, right? Segmented the Indian society. और इसी टाइम पे आप ब्रिटिश के टाइम्स में देखो कि लोअर कास्ट मूवमेंट काफी स्टार्ट हो गई थी. लोअर कास्ट मूवमेंट दे स्टार्टेड रिवोल्टिंग अगेंस्ट द अपर कास्ट. अब तमिलनाडु में देखो, राइट, एंटी ब्राह्मण मूवमेंट और बैकवर्ड क्लास मूवमेंट. महर्षि इन केस ऑफ महाराष्ट्र सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट. मल्टीपल लोअर कास्ट दे स्टार्टेड रिवोल्टिंग अगेंस्ट द अपर कास्ट बिकॉज ब्रिटिशर्स वर इनकलकेटिंग दिस कॉन्शियसनेस दैट अपर कास्ट आर डिफरेंट फ्रॉम द लोअर कास्ट. दे आर टू डिफरेंट रेसेस. उनका फिजिकल अपीयरेंस देख लो आप, सेम सेम है, अलग अलग है. ठीक है, अपर कास्ट वर्सेस लोअर कास्ट डिवाइड. ठीक है, देन आर्यन वर्सेस द्रविडियन ड्राइव, द्रविडियन डिवाइड. आर्यन इन्वेजन थ्योरी जो मैंने बताया उसके अलावा क्या बोलती है कि ये जो आर्यंस आए, दीज आर्यंस एंड दे केम, राइट, दे केम इन टू कंफ्लिक्ट विद मल्टीपल कैटेगरी ऑफ पीपल. ठीक है, one as we seen here, the aboriginals, right, one were the original inhabitants, theek hai, dasas, theek hai, right. To ek log the dravidians. Ye ek theory hai ki these dravidians allow, again these were snub nose, short in and dark in stature, theek hai, these were there in Harappan civilization or Indus Valley civilization. ये इन्हीं की थी, हरप्पन सिविलाइजेशन और इंडस वैली सिविलाइजेशन. द्रविडियंस कॉन्स्टिट्यूटेड दिस सिविलाइजेशन एंड द्रविडियंस वर ओरिजिनली, दे वर ओरिजिनली देयर इन द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट. आर्यंस दे स्टार्टेड माइग्रेटिंग एंड दे फर्स्ट केम इन टू कॉन्फ्लिक्ट विद द द्रविडियंस, राइट. द्रविडियंस लॉस्ट एंड एज अ पुश फैक्टर दिस द्रविडियंस दे स्टार्टेड माइग्रेटिंग टू द साउथ इंडिया. And that is how they got settled into South India. ठीक है, so this theory also created a Aryan versus Dravidian divide. ठीक है, and Aryan is Dravidian divide, मतलब North Indian versus South Indian divide. ठीक है, और इसके repercussions काफी थे. ठीक है, one category of people were the aboriginals. ठीक है, एक theory ये भी बोलती है, एबोरिजिनल्स को क्या बोला जाता है, दीज वर द ट्राइबल पीपल, दीज वर द ट्राइबल्स. ठीक है, इधर नोन एज द प्री द्रविडियंस, राइट. सबसे एबोरिजिनल जो पीपल थे, सबसे ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स थे, वो थे एबोरिजिनल्स. ठीक है, दीज वर द प्री द्रविडियंस. तो द्रविडियंस रिप्लेस द एबोरिजिनल्स एंड दे गॉट सेटल्ड. तो द्रविडियंस भी ओरिजिनल नहीं थे, ये बोला जाता है. ठीक है, दीज वर द प्री द्रविडियंस. Ultimately, when Aryans came, Aryan pushed these tribals into the forests, hills, and remote and inaccessible trust. Again, this push factor of migration, inaccessible tracts of land. ठीक है, इन्हीं में से एक category of people थे जिनको Aryans ने subjugated किया and they were made the Dasas. ठीक है, I hope this is clear. तो ओरिजिनल डिस्टिंक्शन क्या है. ठीक है, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट कि अभी क्या बोलते हैं ये आपके रिजले कि डिफरेंट कास्ट हैव डिफरेंट रेशियल फीचर्स. दिस वार हिज ऑब्जर्वेशन. और इसका रीजन क्या है उन्होंने बताया, ड्यू टू द इंस्टीट्यूशन ऑफ कास्ट. कास्ट इंश्योर्ड एंडोगैमी, कास्ट इंश्योर्ड एंडोगैमी. नाउ दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट आई एम मेकिंग हेयर. दिस इज द सेंट्रल आर्ग्यूमेंट. डिफरेंट कास्ट हैव डिफरेंट रेशियल फीचर्स. ठीक है, दिस इज ड्यू टू, दिस वॉज इंश्योर्ड बाय द इंस्टीट्यूशन ऑफ कास्ट. ठीक है, कास्ट ने यह बोला कि ड्यू टू द देर वॉज अ फीचर ऑफ एंडोगैमी इन कास्ट विच प्रिवेंटेड रेशियल इंटरमिक्सिंग ऑफ डिफरेंट कैटेगरी ऑफ पीपल. रेशियल इंटरमिक्सिंग ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पीपल ऑफ डिफरेंट
categories of people, and for this is going on for thousands of years, and this is how different castes have different racial features, because this ensured prevented racial intermixing and this ensured racial purity. Continuously उसी कास्ट में मैरिज हो पा रही है, डिफरेंट कास्ट आर मैरिंग विद इन देयर ओन कास्ट, एंड दिस इज हाउ रेशियल प्योरिटी इज मेंटेन्ड विद इन द इंडियन सोसाइटी. और ये उसका एक्सप्लेनेशन था हाउ कास्ट इज लिंक टू रेस, राइट. तो उसका क्या था, गया इथनोग्राफर था, लोगों को ऑब्जर्व करता था, देखा कि डिफरेंट कास्ट के डिफरेंट रेशियल फीचर्स है, फिर उसने देखा कि इसको एक्सप्लेन कैसे किया जाए. देन ही केम बैक टू व्हाट ही डिपेंडेंट ऑन आर्यन इन्वेजन थ्योरी, ठीक है. आर्यन इन्वेजन थ्योरी से उसने बोला कि ऐसे कास्ट का ओरिजिन होता है, ठीक है. ओरिजिनली दो ही वर्ण थे, आर्यंस और दासाज, आर्यन सब्जुगेटेड द दासाज, आर्यंस की डिफरेंट रेस थी, दासाज की डिफरेंट रेस थी. और फिर फर्दर सब रेसिस हुई आर्यंस में, बिकॉज वहां पे भी एंडोगैमी आई, और व्हेन दिस प्रोसेस कंटिन्यूड ऑन इट प्रिवेंटेड रेशियल इंटरमिक्सिंग ड्यू टू एंडोगैमी. अपनी ही कास्ट में मैरिज कर सकते हो, दिस इज गोइंग ऑन फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, राइट, फॉर 3-4 थाउजेंड ईयर्स. एंड दिस इज हाउ डिफरेंट कास्ट अपियर डिफरेंटली, डिफरेंट कास्ट आर डिफरेंट रेसिस, राइट. तो within the upper caste this is not sharp, to ye jo distinction hai it is completely sharp or contrasting, theek hai. Halanki different caste jo hai, different varnas jo hai, they are not making distinction between varna and caste. Different varna or different caste aap bol sakte ho, unki different racial features hai, lekin ye acutely visible hai, ye racial features, these racial features are sharp or contrasting or acutely visible between upper caste and lower caste. Upper caste बिल्कुल अलग है, lower caste का बिल्कुल अलग. Upper caste में भी distinction और differentiation है, but these are not sharp. These are acutely visible, sharp and contrasting in upper caste and lower caste. And that is how this theory, racial theory of caste, was responsible for creating an upper caste versus lower caste divide in case of India. And Ghure was deeply hurt by this, deeply hurt by the large number of movement, caste movements that were going on in case of India, because as I said, Ghure was a nationalist. He wanted to prevent the divide and rule in case of India, right? Division and hostilities in case of India. But Ghure, problem with Ghure that he was himself subscribing to the overall framework of this theory. He was accepting to this theory. He did not have any intellectual arguments to refute this theory. ठीक है. See, I want you to write something down. There is a quote, it's a good quote which you can write down, is ki Indian civilization, humne dekha ki caste ka origin kaise hua, caste ka formation kaise hua, and Indian civilization, Indian society is basically Hindu society, and Hindu is in turn based on caste. Theek hai. M.N. Srinivas ka main ek book padh raha tha, right, on the previous day, and he said ki will caste vanish, and he was of the opinion how will we imagine Hindu society without caste. Hindu social organization is based on caste. ठीक है, वो बोलते हैं कि आप बचपन में जो बड़े होते हैं बच्चे, स्पेशली इन रूरल एरियाज, एंड ही वॉज राइटिंग इन 1950s 1960s, अब बच्चे खेलते हैं अपनी कास्ट वालों के साथ, ठीक है. जो किथ और किनशिप वाली रिलेशन है वो कास्ट में ही होती है, राइट. आप अपने गांव में जब बड़े हुए होंगे, आपके जो भाई बहन जो भी थे, चाचा ताऊ और एक्सटेंशन ऑफ दिस चाचा ताऊज, राइट, हु आर नॉट सगे चाचा ताऊज, दे आर बेसिकली फ्रॉम द योर ओन कास्ट, राइट. जॉइंट फैमिली का एक्सटेंशन है, दैट बिकम क्लैन एंड दैट बिकम कास्ट, और आसपास वाले भी, गांव वाले भी ये हैं, तो आपका बर्थ उस कास्ट में हो रहा है, राइट. आप खेल उन कास्ट के बच्चों के साथ रहे हो, ठीक है. यू आर ड्राइविंग योर आइडेंटिटी फ्रॉम दैट कास्ट, ठीक है. आपके किथ और किन्स और उस कास्ट से बिलोंग करते हैं, ठीक है. आपको स्टेटस उस कास्ट से मिलता है. Then how is it possible that caste is going to vanish in case of India, right? But that is a different. उन्होंने बोला कि industrialization और urbanization के साथ शायद caste might deteriorate or caste might not be able to hold itself in Indian society. But that is a point we'll be discussing in later on when we'll be covering M.N. Srinivas. So this is something which you can write. Ghure here is quoting रेशियल थियरी ऑफ कास्ट. Ghure इज कोटिंग हर्बर्ट रेसले, ठीक है, और उसी का इंटरप्रिटेशन करके बोलते हैं. Ghure सेज दैट द कॉन्स्टिट्यूटिव इवेंट फॉर इंडियन सिविलाइजेशन, द कॉन्स्टिट्यूटिव इवेंट फॉर इंडियन सिविलाइजेशन, दैट इज द बिग बैंग, दैट इज द बिग बैंग
through which it all came into being. Through which it all came into being was the clash between, invading fair skinned, civilized Sanskrit speaking Aryans and dark skinned barbarous aborigines. Right. So Britishers, when they say these scholars were saying that जो कॉन्स्टिट्यूटिव इवेंट है इंडियन सिविलाइजेशन का, राइट, जैसे बिग बैंग के थ्रू यूनिवर्स का क्रिएशन हुआ है, ऐसा बिग बैंग कौन इंडियन सोसाइटी में, राइट, दीज व्हाट पीपल आर सेइंग, दिस वाज द कॉन्फ्लिक्ट और कॉन्टेस्ट बिटवीन द सिविलाइज्ड, राइट, अपने आपको सिविलाइज्ड बताते थे ब्रिटिशर्स, और आर्यंस वो बोलते थे कि आर्यंस और यूरोपियंस दे बिलोंग टू द सेम रेस, अपने आपको दीज वर द सिविलाइज्ड संस्कृत स्पीकिंग फेयर स्किन्ड, राइट, टोल शार्प पॉइंटेड नोज आर्यंस विद द बारबेरियस द अनसिविलाइज दासूज दाशाज द एबोरिजिनल्स द नेटिव इनहेबिटेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी. ठीक है, आगे बोलते हैं वो, इट वॉज अ लोकल एप्लीकेशन ऑफ डबल बाइनरी दैट गाइडेड ऑल द 19th century ethnologies, मतलब इथनोलॉजी मतलब ऑब्जर्वेशन ऑफ दीज लोकल कास्ट और ट्राइबल पीपल, राइट, उसके बेसिस पे इथनोलॉजीज मोनोग्राफ्स और इथनोग्राफीज कंस्ट्रक्ट की जाती हैं. तो 19th सेंचुरी में जो इथनोलॉजीज हुई, इसका डोमिनेशन कौन करता था इन इथनोलॉजीज का, यूरोपियन स्कॉलर्स. दीज यूरोपियन स्कॉलर्स, दे वर स्टडिंग द एक्जॉटिक सोसाइटीज ऑफ द ईस्ट, दे वर स्टडिंग द ट्राइबल पीपल एंड दे वर डिफरेंशिएटिंग बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ दैट, एंड दे आर कॉलिंग द ईस्ट द बारबेरियस the uncivilized and called, they were contrasting them with themselves, right, they were calling themselves the fair skinned, the civilized people, right, and we are absolutely distinct between them. So this is a binary contrast, this is a binary opposition, right. To jo binary jo aapka डबल बाइनरी का एप्लीकेशन है लोकल में मतलब इंडियन सोसाइटी में, इसी डबल बाइनरी का, जिस डबल बाइनरी से ब्रिटिशर्स सोचते थे, यूरोपियन सोचते थे कि दे मेड अ बाइनरी टू पोल्स, राइट, टू अपोजिंग पोल्स, टू कॉन्ट्रास्टिंग थिंग्स बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट, बिटवीन द सिविलाइज्ड एंड द अनसिविलाइज्ड, बिटवीन द सेविज एंड द सिविलाइज्ड, राइट. सो इट वॉज अ लोकल एप्लीकेशन ऑफ डबल बाइनरी दैट गाइडेड ऑल द 19th सेंचुरी एनालिसिस इथनोलॉजीज दैट इज डबल बाइनरी ऑफ फेयर एंड डार्क द सिविलाइज्ड एंड द सेविज. ठीक, नाउ लेट अस ट्राई टू स्टडी हाउ इज गोरे गोइंग टू क्रिटिसाइज दिस रेशियल थियरी ऑफ कास्ट. ठीक है, सी वन थिंग यू नीड टू रिमेंबर दैट गोरेज थियरी ऑफ कास्ट डिराइव्स इट्स बेसिक फ्रेमवर्क from the racial theory of caste, but he only accepts this theory partially, right, aur usko criticizes he also criticizes this theory. theek hai, now how is Gore going to criticize this theory? Now Gore argues, now this is his criticism, Gore argues what is his basic argument is, he argues that racial theory of caste, that is RTOC, propounded by Herbert Risley, it has only limited applicability in case of India. ठीक है, और वो बोलते हैं कि this theory is only valid for हिंदुस्तान प्रॉपर. ठीक है,
ये खाली हिंदुस्तान के लिए ही वैलिड है. नाउ व्हाट इज हिंदुस्तान? हिंदुस्तान बेसिकली मीन्स द ओरिजिनल प्लेस वेयर आर्यंस सेटल्ड. इट हैज़ अ वैलिड एप्लीकेबिलिटी ओनली फॉर सर्टेन पोर्शंस ऑफ नॉर्दर्न इंडिया. ठीक है, द लैंड बिटवीन द, वी कैन से द लैंड बिटवीन द इंडस एंड द गंगा. इट हैज़ अ एप्लीकेबिलिटी, इट इज ओनली एप्लीकेबल टू नॉर्थ इंडियन, नॉर्थन पोर्शन ऑफ इंडिया, स्पेशली द लैंड बिटवीन इंडस एंड गंगा. इंडस एंड गंगा, राइट, दिस इज द प्लेस वेयर आर्यंस सेटल्ड आफ्टर माइग्रेटिंग टू इंडियन सबकॉन्टिनेंट, जिसको आर्यव्रत भी बोला जाता है. राइट, अगर आपने महाभारत देखी हो, दिस इज ऑल्सो नोन एज आर्यव्रत, द लैंड ऑफ द आर्यास. वहीं पे ही वैलिड है ये थ्योरी. ठीक है, इट इज नॉट वैलिड फॉर द एंटायर इंडिया. दिस थ्योरी ही सेज, दिस थ्योरी डज नॉट होल्ड ट्रू फॉर रेस्ट ऑफ इंडिया. For rest of India, ठीक है. See, हिंदुस्तान अगर आप बोलोगे basically northern India, ठीक है. अभी बात में तो general applicability है, पूरे India के लिए हिंदुस्तान बोला जाता है. लेकिन आप देखोगे, अगर आप music को भी देखोगे तो एक जो है northern music, northern India के music जिसको बोलते हैं हिंदुस्तानी classical music, वैसे south India को बोलते हैं Carnatic school of music, right? So it is not valid for the rest of India. It is not valid for southern India, especially in case of southern India. ये क्यों बोल रहे हैं? इसका भी एक reason है कि why is saying it is, this is not valid for south India. वो कुछ British propaganda को counter करना चाहते हैं इसके थ्रू. It is not valid for western India or eastern India for that matter. ठीक है. Now why is he saying this? ठीक है. Because here in these regions, ठीक है, इन दीज रीजन्स यू विल फाइंड दैट कास्ट डिस्टिंक्शंस, आई एम यूजिंग द शॉर्ट फॉर्म CDs, कास्ट डिस्टिंक्शंस आर नॉट रेशियल डिस्टिंक्शंस. कास्ट डिस्टिंक्शंस आर नॉट रेशियल, आर CDs आर नॉट RDs हियर. कास्ट डिस्टिंक्शन आर नॉट रेशियल डिस्टिंक्शंस. हियर ही सेज यू विल फाइंड आउट similarity of physical features or racial features, right? अगर आप यहाँ पे observation करते हो, रिसलेन अगर proper observation किया होता तो you will say there is a similarity of physical or racial features cutting across different caste. यहाँ पे different caste की different racial features नहीं है, rather similar features हैं, similar racial और features, physical features हैं, cutting across different caste, right? So there is a similarity, different caste here have similar physical or racial features, right? Cutting across different caste. तो ये जो theory है, अगर आप बोलोगे कि पूरे इंडिया में आप apply कर दो इसको कि different caste have different racial features, this is not the case in these portions of India. This is only valid for the place where Aryans settled. And why is he saying that? इसके पीछे भी इनका एक reason है कि ऐसा क्यों है. He says and he argues कि here diffusion, वापिस हम diffusion पे आ रहे हैं, diffusion of Aryan culture here, Aryan culture, और वी कैन से हिंदुइज्म, वैदिक हिंदुइज्म हम बोल सकते हैं, ओरिजिनल हिंदुइज्म बोल सकते हैं, या फिर सिमिलरली हिंदुइज्म विल बी अ बेटर वर्ड टू यूज हियर, बिकॉज हिंदुइज्म इज नॉट अ समथिंग विच इज सेट इन स्टोन. इट इज अ कॉन्स्टेंट इवॉल्विंग फीचर. इट इज इवॉल्विंग थ्रू द कॉन्स्टेंट इंटरेक्शन ऑफ द ग्रेट ट्रेडिशंस, राइट, और द ओवरऑल फ्रेमवर्क ऑफ हिंदुइज्म एंड लोकल कल्चर्स. ठीक है, उनके बीच में इंटरेक्शन के बाद थ्रू
through this diffusion is Hinduism evolving through the exchange of various cultural elements through cultural contact, right? So it is through diffusion of Aryan culture, ठीक है, and not through actual physical movement of Aryans. ठीक है, तो उनका मानना क्या है, ऐसी अल्टीमेटली घोरे की थ्योरी क्या बोलती है कि आर्यंस के दे सेटल इन केस ऑफ इंडिया, दे सब्जुगेटेड द दासाज, और वहां पे नॉर्थ इंडिया में रेशियल डिस्टिंक्शंस आर कास्ट डिस्टिंक्शंस. ठीक है, तो नॉर्थ इंडिया में इमर्जेंस हुआ आर्यन कल्चर और वैदिक हिंदुइज्म का, और इन टर्न दिस स्प्रेड थ्रू द अदर रीजन्स ऑफ इंडिया, द सदर्न, द ईस्टर्न, द वेस्टर्न पोर्शन ऑफ इंडिया, थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, थ्रू द प्रोसेस ऑफ कल्चरल कॉन्टैक्ट, थ्रू द प्रोसेस ऑफ कल्चरल एक्सचेंज. और ये जो कल्चरल कॉन्टैक्ट हो रहा है, दिस इज टेकिंग प्लेस नॉट थ्रू द एक्चुअल फिजिकल मूवमेंट ऑफ आर्यंस. ऐसा नहीं है कि अब आर्यंस फिर साउथ इंडिया में सेटल हो रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है. अगर एक्चुअल में फिजिकल मूवमेंट होता तो शायद पॉसिबिलिटी थी कि यहाँ पे डिफरेंट कास्ट वुड हैव हैड डिफरेंट रेशियल फीचर्स. लेकिन ये क्या है, इट इज टेकिंग प्लेस थ्रू डिफ्यूजन ऑफ आर्यन कल्चर, नॉट थ्रू एक्चुअल फिजिकल मूवमेंट ऑफ आर्यंस. तो इट इज टेकिंग प्लेस थ्रू वट, कल्चरल कॉन्टैक्ट, कल्चरल एक्सचेंज. और ये कैसे आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल ही सेज, फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ साउथ इंडिया, ठीक है, यहां पे आर्यन कल्चर को किसने प्रोपेगेट किया साउथ इंडिया में, ही सेज कि द प्रोपेगेशन एंड डिफ्यूजन ऑफ द ग्रेट ट्रेडिशन ऑफ हिंदुइज्म, ग्रेट ट्रेडिशन ऑफ हिंदुइज्म और आर्यन कल्चर, इट टुक प्लेस थ्रू द एफर्ट ऑफ द ग्रेट सेज, राइट. एक अगेन यहां पे क्या है, यहां पे इंडोलॉजी दिखती है, इसके में इंडोलॉजी दिखती है. ही इज रेफरिंग टू द टेक्स्ट, और हिंदू टेक्स्ट में लिखा हुआ है कि जो ग्रेट महर्षि थे, ग्रेट सेज थे, अगस्त्य ऋषि, ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग दिस नॉर्थन कल्चर एंड स्प्रेडिंग इट इन साउथ इंडिया. एंड ऑल्सो ही रेफर्स टू द गॉड स्कंद गॉड, राइट. स्कंद इज आइडेंटिफाइड विद कार्तिकेय, द सन ऑफ लॉर्ड शिवा, राइट. और इन सदर्न इंडिया, अब ये देखो डिफ्यूजन कैसे हो रहा है, जो सदर्न इंडिया के लोकल गॉड थे, हिल गॉड थे, ट्राइबल गॉड थे, दैट इज मुर्गन, उनके साथ एसोसिएट कर दिया गया स्कंद को, राइट. विच हु इज बेसिकली अ नॉर्थन इंडियन गॉड, राइट. ही इज द गॉड ऑफ वॉर, राइट, अ फियर्स गॉड, जिससे डरते हैं लोग. तो इनको दोनों को आपस में मर्ज कर दिया गया. एंड दिस इज हाउ द लोकल ट्रेडिशन ऑफ द हिल रीजन्स और ट्राइबल रीजन्स ऑफ सदर्न इंडिया, इट गॉट मर्ज इन द ग्रेट ट्रेडिशन ऑफ हिंदुइज्म. उनके गॉड को, इनके गॉड को सिमिलर कर दिया गया, दोनों को एसोसिएट कर दिया गया. दीज आर नॉट टू डिफरेंट पीपल्स, एंड दैट इज हाउ दीज लोकल कल्चर्स गॉट एसोसिएटेड विद द ग्रेट ट्रेडिशन ऑफ हिंदुइज्म. ठीक है, तो ये ऐसे डिफ्यूजन हुआ है. ठीक है, तो यहाँ पे अगेन ही सेज, इसीलिए ये वैलिड नहीं है फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ इंडिया. ठीक है, और ये बोलते हैं इन केस ऑफ इंडिया, प्रायर टू द इंट्रोडक्शन ऑफ हिंदुइज्म और वैदिक कल्चर, रेशियल इंटरमिक्सिंग, राइट, प्रायर टू इंट्रोडक्शन ऑफ हिंदुइज्म, राइट, और आर्यन कल्चर, ठीक है, रेशियल इंटरमिक्सिंग हैज ऑलरेडी टेकन प्लेस. मतलब हिंदुइज्म के आने से पहले यहाँ पे रेशियल इंटरमिक्सिंग होती है, यहाँ पे उससे आने से पहले, क्योंकि हिंदुइज्म आने के बाद कास्ट विल बी देयर, फिर एंडोगैमी को फिक्स कर दिया जाएगा, फिर डिफरेंट कास्ट विल बी मैरिंग विद इन देयर ओन कास्ट. लेकिन उसके आने से पहले ही रेशियल इंटरमिक्सिंग हो गई है, डिफरेंट पीपल दे वर मैरिंग विद ईच अदर, राइट. तो वहाँ पे जेनेटिक मिक्सिंग हो गई, ब्लड की मिक्सिंग हो गई, तो इसी वजह से फिर उसके बाद आपने कल्चर इंपोज कर दिया उन पे, वहां पे क्या कल्चर अडॉप्ट किया, ग्रेट ट्रेडिशन ऑफ हिंदुइज्म, फिर आया कास्ट एज एन इंस्टीट्यूशन, राइट. तो पहले ही से ही रेशियल इंटरमिक्सिंग हो चुकी है, तो इसलिए ही विल से
that in case of southern India there will be similarity of racial features cutting across caste. Southern India में आप देखो different castes have right different castes. That is why अगर आप देखो observation करो in southern India और other portion western eastern India different castes have similar रेशियल फीचर्स, क्योंकि पहले से इंटरमिक्सिंग हो गई और उसके बाद एंडोगमी इम्पोज हो गया तो उसका कोई फायदा नहीं है. उसके पहले से इंटरमिक्सिंग इतनी हुई है कि जेनेटिक इंटरमिक्सिंग और ब्लड इंटरमिक्सिंग हो गई है, सिमिलैरिटी ऑफ फिजिकल फीचर्स हैं. तो अगर आप सदर्न इंडिया का कास्ट प्रोफाइल देखो देर इज अ सिमिलैरिटी ऑफ फिजिकल फीचर्स कटिंग अक्रॉस कास्ट. ऐसा नहीं कि सदर्न इंडियंस में कि जो ब्राह्मिन्स हैं दे विल बी फेयरर, ऐसा नहीं है. इवन इन केस ऑफ सदर्न इंडिया द ब्राह्मिन्स आर डार्कर. That is the Dravidians. He is talking about Dravidians, right? So this theory has only limited applicability in case of India. It is not valid for the rest of the India. ठीक है, इनका मानना ये था, right? So this is why. But ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं? यहाँ पे contradictions देखने को मिलती है आपको घोरे के वर्क में. At one point he is agreeing to the overall basic framework of आर्यन इन्वेजन थ्योरी दैट इट इज वैलिड ओनली फॉर नॉर्दर्न केस ऑफ नॉर्दर्न इंडिया. ठीक है, फिर कंट्रडिक्शन ये है कि बाकी जगह ही इज रिजेक्टिंग दिस और वो एक्चुअल ऑब्जर्वेशन के बेसिस बोलते हैं कि आप नहीं फाइंड आउट करोगे डिफरेंट रेशियल फीचर्स कटिंग अक्रॉस कास्ट. राइट, देर इज सिमिलरिटी ऑफ फिजिकल फीचर्स कटिंग अक्रॉस कास्ट. डिफरेंट कास्ट हैव सिमिलर रेशियल और फिजिकल फीचर्स इन केस ऑफ नॉर्थ इंडिया और ईस्टर्न इंडिया फॉर दैट मैटर, सॉरी साउथ इंडिया और ईस्टर्न इंडिया फॉर दैट मैटर. ठीक है, Why is he saying this? इनका बेस एक मेजर, एज आई सेड ही वॉज अ नेशनलिस्ट. सब कुछ मिलेगा यहाँ पे, इंडोलॉजी भी दिख रही है, डिफ्यूजन भी, नेशनलिस्ट क्यों दिख रहा है? एज अ नेशनलिस्ट ही वॉन्टेड टू यूनाइट एंड इंटीग्रेट हिंदूज. इंडियंस मीन्स हिंदूज, राइट? हिंदू सोशोलॉजिस्ट, हिंदू सोशोलॉजी थी उनकी. ठीक है, तो ब्रिटिश का प्रोपागेंडा काउंटर करने के लिए, क्योंकि ब्रिटिश फिर कैसे, ये थ्योरी, यही थ्योरी का यूज हुआ साउथ इंडिया में. तो जो नॉन ब्राह्मिन्स थे दे स्टार्टेड रिवोल्टिंग अगेंस्ट द ब्राह्मिन्स, राइट? मूवमेंट्स लॉन्च हुई. तो वो बोलते हैं ऐसा नहीं है कि ब्राह्मिन्स और आप नॉन ब्राह्मिन्स दोनों इन केस ऑफ सदर्न इंडिया दे आर द सिमिलर, अलग अलग नहीं है, डिफरेंट रेस नहीं है. ऐसी आर्यन और द्रविडियन ड्राइव यहाँ पे भी आप डिवाइड नहीं कर सकते हो आर्यन और द्रविडियन को, दोनों को आपस में, इन केस ऑफ सदर्न इंडिया. ठीक है, सो ही इज बेसिकली ट्राइंग टू काउंटर द डिविजिव नैरेटिव ऑफ द ब्रिटिश. बट ही ऑल्सो फेल इन टू द ट्रैप ऑफ आर्यन इन्वेजन थ्योरी बिकॉज ही हैड नो इंटेलेक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स टू रिफ्यूट दैट थ्योरी. इनफैक्ट ही यूज दैट थ्योरी टू कम अप विद हिज ओन थ्योरी ऑफ कास्ट, राइट? तो ये पूरी थ्योरी ऑफ कास्ट है, नॉर्थ इंडिया में एप्लीकेबल है और साउदर्न इंडिया में ऐसा हो रहा है. दिस इज गोरेज थ्योरी ऑफ कास्ट. ठीक है, और वाई वॉज ही नॉट रिजेक्टिंग टू आर्यंस बींग द फॉरनर्स? बिकॉज हमने देखा था कि जो इंडोलॉजिस्ट थे they were glorifying the Indian culture, romanticizing with it, romanticizing the Indian history. Great Indian history थी, हम same race से belong करते थे, Aryans और Indians और Europeans, they were essentially Aryans. Similar ethnic stock था, similar group of languages थी. ठीक है, तो उसी का use किया इन्होंने to give confidence to the Indians. तो वो argument क्या है उसका, pro और con भी था. con ये था कि northern India में अलग, northern India में उसकी applicability होगी, right? But he also used that to propagate national cultural or Hindu nationalism in case of India to give that self confidence to India that you are not inferior to the British, in fact you belong to the same family tree, right? And your culture subsequently degenerated, right? और यहीं से भी केस आया कि वैदिक हिंदुइज्म जो था ओरिजिनली सबसे सुपीरियर था, एंड दैट इज वाई वेदास आर द फाउंटेन हेड ऑफ ऑल नॉलेज. दिस वॉज टू काउंटर द ब्रिटिश प्रोपागेंडा एंड टू रिवाइव सेल्फ कॉन्फिडेंस इन इंडिया. लेकिन इसका एक नेगेटिव यह गया कि इसमें मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस को एक्सक्लूड कर दिया फ्रॉम द नैरेटिव ऑफ नेशनलिज्म, राइट? ठीक है, सो दिस इज वॉट ही इज ट्राइंग टू आर्ग्यू. और सी, अगर आप स्टोरीज और लीजेंड्स में देखो, अगस्त्य ऋषि ये बोला जाता है, सप्त ऋषि थे, सात ऋषि थे, देवर कॉल्ड बाय द लॉर्ड शिवा, राइट? हिमालय के माउंटेन्स में लॉर्ड शिवा गेव दम नॉलेज. ठीक है, आदि योगा, उन्होंने पूरी नॉलेज दी इनको. एंड जो अगस्त्य ऋषि थे, ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट और वन ऑफ द मोस्ट कैपेबल अमंग दिस ऋषिज, एंड ही वॉज टास्क टू स्प्रेड दिस कल्चर इन सदर्न पोर्शंस. And thereby, Agastya Rishi spread this Hindu culture, right, in the southern Indian region, right? So this is how the texts justify or explain how the diffusion of Aryan culture or North Indian culture took place in southern India, right?
ठीक है, अगर आप डिफ्यूजन की बात करो तो डिफ्यूजन की हमने देखा था देयर कुड बी मल्टीपल वेज ऑफ डिफ्यूजन. वन इज थ्रू वॉर्स एंड एक्सपेंशन. जब एक किंगडम वॉर और एक्सपेंशन करता है और वो इसी के वॉर और एक्सपेंशन की वजह से इट कम इनटू कॉन्टैक्ट विद डिफरेंट कल्चर्स और वहां से वो अपने कल्चर को फैलाता है जो डोमिनेटिंग है. या फिर डिफरेंट कल्चर्स के बीच में क्या था, रॉयल मैरिजेस थी और रॉयल अलायंसेस थी. इसको हम स्पेसिफिकली यूटिलाइज करेंगे व्हेन आई विल बी टॉकिंग अबाउट ट्राइब्स. तो वहां से भी कल्चर फैलेगा. फिर हमने देखा था कि हाउ ब्राह्मिन्स और ऋषिज, ग्रेट ऋषिज, दे वर द करियर्स ऑफ हिंदू कल्चर्स एंड दे स्प्रेड कल्चर फ्रॉम हिंदू रिलीजन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. सो देर आर मल्टीपल फैक्टर्स ऑफ डिफ्यूजन बट आई एम नॉट गोइंग इन टू दैट. ठीक है, सो दिस इज हाउ ही वॉज ट्राइंग टू काउंटर द ब्रिटिश नैरेटिव. ठीक, नाउ कास्ट के बारे में हम देख चुके हैं. अभी कास्ट का ही एक्सटेंशन एक फीचर है, अनटचेबिलिटी. अनटचेबिलिटी के बारे में गोरे क्या बोलते हैं? गोरे बोलते हैं अनटचेबिलिटी एज ए प्रैक्टिस. ठीक है, अनटचेबिलिटी एज ए प्रैक्टिस इट इज बेस्ड ऑन डिस्टिंक्शन ऑफ हाई एंड लो. डिस्टिंक्शन ऑफ हाई एंड लो, दिस इज व्हाट गोरे इज आर्ग्यूइंग. इट इज बेस्ड ऑन डिस्टिंक्शन ऑफ हाई एंड लो. ठीक है, और उनका मानना यह है कि ये जो अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस है इट डिराइव्स इट्स सोल, राइट, उसका जो सोल है और जो सब्सटेंस है, राइट, और वी कैन से इट डिराइव्स इट्स लेजिटिमेसी राइट फ्रॉम इट डिराइव्स इट लेजिटिमेसी फ्रॉम द सेंट्रल टेनेट सिमिलर लाइंस पे डुमो भी आर्ग्यू करेंगे. लुइस डुमो कास्ट सिस्टम पढ़ेंगे, सिमिलर लाइंस पे डुमो इज ऑल्सो गोइंग टू आर्ग्यू ऑन द सिमिलर लाइंस, राइट. हालांकि देर इज वास्ट डिफरेंस बिटवीन घोरेज एंड पर्सपेक्टिव ऑन कास्ट एंड डुमोन्स पर्सपेक्टिव ऑन कास्ट. ठीक है, तो जब हम डुमो के बारे में पढ़ेंगे जब देखेंगे ये. फ्रॉम द सेंट्रल टेनेट और कोर फीचर ऑफ हिंदुइज्म, राइट, हिंदुइज्म का जो सेंट्रल टेनेट है उससे अपनी जस्टिफिकेशन और लेजिटिमेसी लेता है. नाउ व्हाट इज द सेंट्रल टेनेट और कोर फीचर ऑफ हिंदुइज्म? द कोर फीचर ऑफ सेंट्रल टेनेट इज नोशन ऑफ प्योरिटी एंड पॉल्यूशन. नोशन ऑफ प्योरिटी एंड पॉल्यूशन, यहां से अनटचेबिलिटी की सेंट्रल फीचर आती है. ना प्योरिटी और पॉल्यूशन क्या, उसको एक्सप्लोर करेंगे. ना दिस नोशन ऑफ प्योरिटी एंड पॉल्यूशन एम्फेसाइजेस ऑन एब्सोल्यूट डिस्टिंक्शन सेपरेशन एंड सेग्रीगेशन ऑफ प्योर एंड इम्प्योर. हिंदुइज्म में डिफरेंट चीजों को किया जाता है, राइट, हर एक चीज को कैटेगराइज कर सकते हो आप इन दिस टू डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ प्योर एंड इम्प्योर. एक प्योर है और एक इम्प्योर है, और प्योर और इम्प्योर को क्या है, हमेशा डिस्टिंक्ट रखना चाहिए, सेपरेट रखना चाहिए, सेग्रीगेट रखना चाहिए प्योर और इम्प्योर को एक दूसरे के लिए. तो वो बोलते हैं कि दीज टू वर्ल्ड्स, द वर्ल्ड्स ऑफ द प्योर एंड इम्प्योर शुड नॉट कोलाइड, दे शुड नॉट कोलाइड को इनसाइड और मर्ज विद ईच अदर. देर शुड बी एन एब्सोल्यूट डिस्टिंक्शन सेपरेशन एंड सेग्रीगेशन ऑफ दीज टू वर्ल्ड्स, राइट, नोशंस ऑफ प्योरिटी एंड पोल्यूशन, collide, coincide or merge with each other.
ठीक है। नाउ हम देखते हैं कि ये दो तो दो वर्ल्ड्स को कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है इन हिंदुइज्म, ठीक है। एवरीथिंग इन हिंदुइज्म यू कैन क्लासीफाई इन टू इन दीज टू डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ प्योर एंड इम्प्योर, राइट, ठीक है। तो हम देखेंगे दिस इज द कैटेगरी, ठीक है। एक में रखेंगे प्योर को, एक में रखेंगे इम्प्योर को, ठीक है। पहली बात, आप प्लेसेस को कैटेगराइज कर सकते हो प्योर और इम्प्योर के बीच में, प्लेसेस और स्पेस को, बेटर वर्ड वुड बी द स्पेस को कैटेगराइज कर सकते हो प्योर और इम्प्योर को। जैसे कि टेंपल एक प्योर स्पेस है, ठीक है, और इम्प्योर स्पेस हो गया ग्रेवयार्ड, ठीक है, राइट। और इसीलिए आप देखोगे टेंपल से ग्रेवयार्ड पास में नहीं रहता, कुछ डिस्टेंस की दूरी पे ही रहता हमेशा ग्रेवयार्ड। ग्रेवयार्ड शुड नॉट बी इन विसिनिटी ऑफ द टेंपल और शुड बी नॉट एडजेसेंट विद द टेंपल प्रीमाइसेस। देयर शुड बी अ डिस्टिंक्शन और सेपरेशन और सेग्रीगेशन ऑफ द प्योर वर्ल्ड एंड इम्प्योर वर्ल्ड। ऐसे ही आप देखोगे, फॉर एग्जाम्पल प्योर हो गया आपका किचन, जहाँ पे खाना बनता है, हर्थ, इट इज द प्योरेस्ट प्लेस इन योर हाउस। ऐसे ही टॉयलेट इज इम्प्योर प्लेस, तो टॉयलेट शुड बी कैप्ट अपार्ट फ्रॉम द किचन। और आप देखोगे, अगर आपने वो मूवी देखी हो टॉयलेट एक प्रेम कथा, राइट, अक्षय कुमार की जो मूवी है, उसमें यही दिखाया गया है, अगर आपने देखा होगा कि टू कंस्ट्रक्ट टॉयलेट्स विद इन द हाउस प्रीमाइसेस, राइट, इट वॉज फॉरबिडन, ठीक है। तो टॉयलेट शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम योर हाउस एंड स्पेशली इट शुड बी डिस्टेंट फ्रॉम किचन, ठीक। ऐसे ही आप देखोगे फूड, फूड को आप प्योर एंड इम्प्योर में कैटेगराइज कर सकते हो। जैसे प्योर फूड हो गया जिसको हम बोलते हैं सात्विक फूड, ठीक है, और ये भी विदाउट गार्लिक और अनियन, ये एब्सोल्यूट प्योर फूड होगा विदाउट गार्लिक एंड अनियन। इम्प्योर फूड क्या हो गया, कंजम्पशन ऑफ मीट, कंजम्पशन ऑफ मीट, राइट। अगर आप देखोगे इन हिंदुइज्म इवन नॉन वेजिटेरियन फूड की भी हिरार्की है, सबसे लोअर पे रखा जाएगा जो एब्सोल्यूट इम्प्योरिटी जो करेगा वो होगा बीफ, आप बीफ नहीं खा सकते हैं, फिर पोर्क उससे ऊपर, राइट, उससे ऊपर हो गया फिर पोल्ट्री, राइट, और सबसे एक्सेप्टेबल जो होता है अगर नॉन वेजिटेरियन में हो जाएगा फिश, राइट। सो देयर इज अ, उसमें भी हिरार्की है इम्प्योर फूड में भी, कंजम्पशन ऑफ मीट या फिर कंजम्पशन ऑफ एल्कोहल, सो दीज आर इम्प्योर अगेन। फिर आप देखोगे कि इसके साथ साथ आप ऑक्यूपेशंस को भी, ऑक्यूपेशंस को भी प्योर एंड इम्प्योर की कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे प्योर ऑक्यूपेशन क्या होगा, वो होगा आपका बीइंग अ स्कॉलर और प्रीस्ट, दिस इज वन ऑफ द प्योरेस्ट ऑक्यूपेशन, विजडम, ठीक है। इम्प्योर ऑक्यूपेशन क्या होगा, इम्प्योर ऑक्यूपेशन होगा मैनुअल स्कैवेंजिंग, राइट। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस बिकॉज यहां से इन आर्ग्यूमेंट्स के बेसिस पे आई वॉन्ट टू कम टू अ सर्टेन कंक्लूजन, आई वॉन्ट टू ड्रॉ अ सर्टेन इन्फरेंस, ठीक है। मैनुअल स्कैवेंजिंग, इम्प्योर ऑक्यूपेशन, या फिर बर्निंग ऑफ कॉर्प्स, बर्निंग ऑफ कॉर्पसेज और डेड बॉडीज, दिस इज इम्प्योर, ठीक है। इम्प्योरिटी इज अटैच्ड विद द डेड बॉडी, ठीक है। मैनुअल स्कैवेंजिंग या फिर टैनिंग ऑफ लेदर, लेदर का प्रोडक्शन करना, बिकॉज लेदर इज बेस्ड ऑन व्हाट, इट इज बेस्ड ऑन स्किन्स ऑफ डेड एनिमल्स विच इज इन इटसेल्फ इम्प्योर, ठीक है। टैनिंग ऑफ लेदर या फिर टॉडी, राइट, टॉडी प्रिपरेशन, एल्कोहल बनाना, ठीक है, या फिर
डेड कार्कसेस, हैंडलिंग डेड कार्कसेस ऑफ कैटल, हैंडलिंग डेड कार्कसेस, कार्कसेस ऑफ कैटल. उस टाइम पहले, अब अगर आपने देखा, आई डोंट नो अबाउट द ईयर, 4-5 साल पहले की बात है या 2-3 साल पहले की बात है, गुजरात में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था, जो कैटल है उसकी डेथ होगी इन अपर कास्ट हाउसेज, राइट. और लोअर कास्ट वहां पे उन्होंने रिवोल्ट कर दिया, रिफ्यूज कर दिया, दे डिनाइड लिफ्टिंग ऑफ दिस डेड कार्केसेस फ्रॉम द अपर कास्ट हाउसेज, बिकॉज ये काम, बिकॉज दिस इज इम्प्योर, दिस इज समथिंग विच इज इम्प्योर, दिस इज द टास्क ऑफ द लोअर कास्ट टू हैंडल द डेड कार्केसेस और टू रिमूव द डेड कार्केसेस फ्रॉम द प्रीमाइसिस ऑफ द अपर कास्ट पीपल, ठीक है. तो डिफरेंट कैटेगरीज को प्योर और इम्प्योर में कैटेगराइज किया गया है. ऐसे ही अगर आप देखोगे अगेन मैं और कैटेगरीज की बात करूं, ठीक है, सेम वही रहेगा. पीपल ऑल्सो कैटेगराइज इन प्योर एंड इम्प्योर, ठीक है. अपर कास्ट स्पेशली ब्राह्मीन आर द प्योरेस्ट, प्योरेस्ट, ठीक है. लोअर कास्ट आर द इम्प्योरेस्ट, स्पेशली द लोअर कास्ट, स्पेशली अनटचेबल्स और दलित्स, दे आर दलित्स हो गए इसमें, एससीज, अनटचेबल्स, राइट. ये दो जो तीनों वर्ड है सेम पीपल के लिए एप्लीकेबल है, अनटचेबल्स आर दलित्स और एससीज, ठीक है. आई वॉन्ट टू से हियर दैट दलित्स आर डिफरेंट फ्रॉम शूद्र. हम देखेंगे दलित्स आर नॉट इवन इंक्लूडेड इन टू द फोर फोल्ड वर्ण ऑफ हिंदुइज्म, दे आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द फोर फोल्ड वर्ण ऑफ हिंदुइज्म, दे आर आउटकास्ट, दे आर अनटचेबल्स, दे आर दलित्स, दे आर नॉट इवन विद इन द फोर फोल्ड ऑफ हिंदुइज्म, दीज आर अनटचेबल्स. हम देखेंगे, अभी एक्सप्लोर करेंगे उसको, ठीक है, राइट. तो अगर आप देखो, आपको एक चीज मैं बताना चाहता हूं कि अपर कास्ट का अगर आप लाइफ स्टाइल देखो, टेम्पल, दे आर गॉट एक्सेस टू टेम्पल, सात्विक फूड खाते हैं, दे एंगेज इन प्योर बेस्ड प्योर ऑक्यूपेशंस. लोअर कास्ट आर एसोसिएटेड विद दीज थिंग्स, क्लीनिंग टॉयलेट्स, राइट, डिस्पोजिंग बॉडीज इन ग्रेवयार्ड्स, दे आर एंगेज इन कंजम्पशन ऑफ मीट और एल्कोहल, दे आर एंगेज इन लोअर ऑक्यूपेशंस, ठीक है. तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं ये जो दो वर्ल्ड है, दिस इज वन वर्ल्ड, दिस इज वन वर्ल्ड. तो अपर कास्ट आर दे एंगेज इन द प्योर वर्ल्ड, whereas lower caste और उनका जो लाइफ स्टाइल है, वे ऑफ लाइफ है, इट इज दे आर कंटिन्यूसली इंगेज इन द इम्प्योर वर्ल्ड, दे आर कंटिन्यूसली इंगेज इन द इम्प्योर वर्ल्ड, राइट. सो हम बोल सकते हैं लोअर कास्ट कल्चर, अपर कास्ट कल्चर, कल्चर ऑफ अपर कास्ट is different from culture of lower caste, culture of lower caste or Dalit. Dalit culture is different from culture of upper caste, right? But this is not the main point that I want to argue here, theek hai. So the point that I am trying to emphasize here is, theek hai, also ek aur categorization ho sakti hai agar aap dekho to, ki even aapka jo body part hai, ठीक है, बॉडी को भी डिफरेंशिएट किया गया प्योर और इम्प्योर में. जो राइट साइड ऑफ बॉडी है, राइट साइड और पोर्शन ऑफ बॉडी इज मोर प्योरर देन द लेफ्ट पोर्शन ऑफ बॉडी. इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है, और इसका रैशनल प्रीमाइसिस और रैशनल जस्टिफिकेशन ये दी जाती है कि जो लेफ्ट पोर्शन ऑफ बॉडी है, राइट, व्हेन यू टेक अ डंप, राइट, व्हेन यू आर डेफिकेटिंग, राइट, उसके बाद आप जो क्लीनिंग करते हो अपनी बॉडी की, दैट यू डू बाय यूजिंग द लेफ्ट हैंड और द लेफ्ट पोर्शन ऑफ द बॉडी, राइट, ठीक है. तो इसीलिए लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी इज कंसिडर्ड कंपैरेटिवली इम्प्योरर इन कंपैरिजन टू द राइट साइड, ठीक है. इसलिए हमेशा ये देखा गया है कि जो खाना है ये एम्फेसाइज किया जाता है, यू ईट विद द राइट हैंड, राइट, बिकॉज लेफ्ट हैंड इज इम्प्योर, राइट हैंड इज मोर प्योरर. सो यू यूज और यू ईट फूड विद योर राइट हैंड, राइट. अगर आपने देखा होगा आपके
बचपन में आपको बोला हुआ घर वालों ने कि राइट हैंड से खाना खाओ, राइट, घर वालों को भी नहीं पता उसका रीज़न क्या है, राइट, ऐसा कुछ नहीं कि डेक्सटेरिटी में और स्विफ्टनेस में या फिर एजिलिटी में कुछ डिफरेंस आएगा बिटवीन लेफ्ट एंड राइट, इट डिपेंड्स ऑन योर हैबिट, राइट, वो कुछ नहीं है, उसका जो रीज़न है, जो अंडरलाइंग रीज़न है जो लोगों को नहीं पता, राइट, व्हाई वी आर डूइंग दिस इज दिस, ठीक है, ऐसे ही देयर कुड बी अ टाइम बेस्ड प्योरिटी एंड इम्प्योरिटी. फॉर एग्जाम्पल वेन वुमेन आर मेंस्ट्रुएटिंग, राइट, वेन वुमेन आर मेंस्ट्रुएटिंग देयर रिलीजिंग इम्प्योर ब्लड, सो ड्यूरिंग द देयर फेस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, दैट इज वेन दे आर ऑन पीरियड्स, दे आर मोर इम्प्योरर, राइट, ठीक है, तो इसलिए आप देखोगे कि शुद्रास आर इम्प्योरर एंड दे एंड प्योर एंड इम्प्योर शुड नॉट कोलाइड एंड दैट इज वाई दे आर नॉट अलाउड टू एंटर द टेम्पल प्रीमाइसेस. And that is why women who are menstruating, right? You can't know when women are menstruating. So it is left to women, right? This is a prescription that is given in Hinduism that a menstruating woman should stay away from the places of purity. That is why they are not allowed when they are menstruating to enter kitchen, to enter temples, right? ठीक है. तो यहाँ से आप देखोगे impurer, purer. is superior to impure, right? Pure is superior to impure, right? Pure is superior to impure. और इसी के basis पे another pillar, right? तो hierarchy, notion of purity and pollution, they are responsible for the central feature of ये अब ये that is they are responsible for hierarchy in case of India. डोमा यही बोलते हैं कि हिरार्की जो आई है वो आई है सेंट्रल पिलर ऑफ प्योरिटी, नोशन ऑफ प्योरिटी एंड पोल्यूशन. ठीक है, आपने प्लेसेस, फूड, ऑक्यूपेशंस, पीपल को ऑन द बेसिस ऑफ प्योरिटी एंड इम्प्योरिटी यू हैव क्लासिफाइड दिस पीपल एंड देयर बाय सिंस प्योरर इज सुपीरियर टू इम्प्योरर, तो देर इज अ दिस सेंट्रल फीचर ऑफ हिंदुइज्म इज हिरार्की विच इज बेस्ड ऑन अनदर सेंट्रल फीचर ऑफ हिंदुइज्म दैट इज योर नोशन ऑफ प्योरिटी एंड पोल्यूशन. ठीक है, तो अब यहां से मैं आपको बोलना क्या चाहता हूं, यहां से घोरे बोलते हैं कि सिंस इम्प्योर इज शुड बी कैप्ट सेपरेट फ्रॉम प्योरर, सो इट लीड्स टू सेपरेशन. दिस इज इंपॉर्टेंट, सेग्रीगेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड सोशल एक्सक्लूजन of the untouchables or the people who are rapidly and frequently in connect with the impure world, impure food, impure occupation, impure style, impure way of life, right? Separation, segregation and social exclusion of the untouchables because pollution is contagious. Pollution kya hai? Contagious hai, it spreads rapidly, therefore it should be कन्फाइंड. ठीक है, तो इसलिए सेपरेशन, सेग्रीगेशन और सोशल एक्सक्लूजन होता है अनटचेबल्स का, एंड दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरियस सिविल एंड रिलीजियस डिसेबिलिटीज टू द दलित्स, या फिर जिनको हम अनटचेबल्स भी बोल सकते हैं या फिर शेड्यूल्ड कास्ट भी बोल सकते हैं. शेड्यूल्ड कास्ट इट इज ए लीगल टर्म विच आर इनकॉर्पोरेटेड इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. अनटचेबल, ओरिजिनल अनटचेबल्स. दलित क्या है? इट इज ए आइडेंटिटी. जब ये अपने आप को असर्ट करने लगे लोअर कास्ट तो वहां से दे कॉल देमसेल्व्स एज दलित्स, और वो अपनी दलित आइडेंटिटी को एम्फोसाइज करने लगे, असर्ट करने लगे, राइट. दैट इज बेसिकली दिस इज अ काइंड ऑफ अ प्रोटेस्ट, राइट. But these are similar. ठीक है, तो various civil and religious these were extended. What could be these civil and religious disabilities? See, मैं जो central जो बात करते हैं घोरे की, अगर आपको caste के बारे में लिखना है तो features of caste system की बात करते हैं. वो 6 features देते हैं caste system की, उसमें से एक feature है extension of civil and religious disabilities to the impure or untouchable people.
ठीक है, मैं इस टॉपिक को ये 6 फीचर्स इसको अलग से डील करूंगा कास्ट सिस्टम वाले चैप्टर में। तो अगर आप पे कास्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो वो 6 फीचर्स आपको घोरे की मेंशन करना बहुत जरूरी है, राइट। वो सबसे इंपॉर्टेंट होगा उस पोर्शन ऑफ कास्ट, कास्ट कंसेप्चुअलाइजेशन ऑफ घोरे। उसके बाद उसके अलावा ये सारी चीज़ें भी हैं उनके कंसेप्चुअलाइजेशन में, ठीक है। तो बस कौन सी सिविल और रिलीजियस डिसेबिलिटीज, राइट, दैट इज सोशल एक्सक्लूजन, दे आर मेड टू रिसाइड इन आउटस्कर्ट्स ऑफ विलेज, विलेज में नहीं रह सकते क्योंकि प्योर को इम्प्योर को अलग रखना चाहिए, आउटस्कर्ट्स ऑफ विलेज, दैट इज दे आर मेड, दे आर एक्सक्लूडेड, ठीक है। दिस इज नोन एज रेजिडेंशियल सेग्रीगेशन, रेजिडेंशियल सेग्रीगेशन, ठीक है। विलेज की पेरिफेरी और आउटस्कर्ट्स में रहोगे आप, मेन विलेज में नहीं रह सकते हो बिकॉज यू आर इम्प्योर, एंड सिंस पॉल्यूशन इज कंटेजियस, पॉल्यूशन स्प्रेड्स क्विकली, ठीक है, आपको अलग रखना पड़ेगा। मेड टू रिजाइड इन आउटस्कर्ट्स ऑफ विलेज, फर्स्ट थिंग, ठीक है। नॉट अलाउड टू, डिनाइड टेम्पल एंट्री, डिनाइड टेम्पल एंट्री, वाई, बिकॉज टेम्पल इज द प्लेस ऑफ द प्योर and impure should not enter the place of the pure, right. Not allowed to access, not allowed to access common well, same well से आप कैसे पानी भी नहीं ले सकते हैं, again because pollution is contagious, contact नहीं आना चाहिए उनके साथ। now these, ये इतनी इंपॉर्टेंट, ये फीचर्स काफी इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल फीचर्स है, आंसर्स में लिखोगे, लेकिन मेन चीज के बारे में जिसमें बात करते हैं, अगर ये अनटचेबल्स एंटर करते हैं विलेज में या विलेज प्रीमाइसिस में या विलेज मार्केट्स में, तो दे नीड टू कैरी, दे नीड टू कैरी ब्रोकन अर्दन पॉट, अर्दन पॉट अराउंड देयर नेक, अराउंड देयर नेक। क्यों ब्रोकन पॉट नेक के अराउंड क्यों कैरी करेंगे, बिकॉज अगर उनको स्पिट करना है तो दे हैव टू स्पिट इन दिस अर्दन पॉट, दे स्पिट शुड नॉट फॉल ऑन टू द ग्राउंड। अगर ग्राउंड में गिरेगा और ब्राह्मण वहां से गुजरेगा या अपर और कोई प्रकाश वहां से गुजरेगी और उसके कॉन्टेक्ट में आएंगे तो वो पोल्यूट हो जाएंगे, राइट। दैट इज वाई दे नीड टू कैरी, दे नीड टू need to carry a broomstick, right? A broom, अपने साथ एक झाड़ू लेके चलनी पड़ेगी to wipe off their footsteps, because वहां से भी pollution हो सकता है, right? तो what they used to do is they used to carry this broom, they used to fix it to their waist, और पीछे back में they used to carry, तो जैसे जैसे वो चलते होते हैं वो ब्रूम भी साथ साथ नीचे क्या है जमीन के साथ कॉन्टैक्ट में चलती रहती, तो उनके फुट स्टेप्स को क्लीन करते जाते थे, राइट। ओनली अलाउड टू एंटर विलेज प्रीमाइसिस एट सर्टेन टाइम्स ऑफ द डे, at certain times of the day, कौन से time, when the shadow cast by sun of their bodies is the shortest, जब सन कुछ इस तरीके से और आप मूव करोगे अनटचेबल और वो जो शेडो बनेगी वो शॉर्टेस्ट रहेगी, ठीक है। तो ड्यूरिंग आफ्टरनून के टाइम पे, इवनिंग के टाइम पर देखोगे कि सन नीचे आ जाता है और शेडो लंबी कास्ट होती है, उस टाइम पे अलाउड नहीं था। तो जब ये शॉर्टेस्ट शेडो होगी तभी अलाउ करने देंगे, क्योंकि अगर यहां से आप जा रहे हो और आपकी शेडो लंबी और सामने से अपर कास्ट जा रहा है तो आपकी शेडो उन पे गिर सकती है और इसी से भी पोल्यूशन कॉज हो सकता है, राइट। सो दीज वर द थिंग्स विच वर देयर इन द प्रीवियस टाइम्स। इसके अलावा वन थिंग दैट यू कुड ऑल्सो राइट, इसके साथ एक और फीचर थी कि
कि व्हेन दीज अपर लोअर कास्ट आर मूविंग राइट दे नीड टू कंटिन्यूअसली रब देयर बॉडी विद सॉइल राइट सो एज टू काउंटर देयर स्वेट स्वेट की भी फ्रेग्रेंस जा सकती है हवा में राइट सो दीज वर सम ऑफ द थिंग्स और सिविल एंड रिलीजियस डिसेबिलिटीज देयर वर एक्सटेंडेड टू दीज अनटचेबल पीपल राइट द लोअर कास्ट और द दलित्स And here I want to talk about a real incident, right? A few days back, about a week back, I met with one of my friends, right? Who's a Brahmin. And he's a very dear friend of mine and we are living in these urban areas. ठीक है? So he went to his native village along with his father. ठीक है? So native village में गए अपने father के साथ. So he was a Brahmin and he was sitting with a fellow Brahmin of the village. ठीक है? इसी के साथ में एक लोअर कास्ट है आई एम टॉकिंग अबाउट मॉडर्न इंडिया राइट अभी आप बोलते कास्ट वास्ट कुछ नहीं है अर्बन इंडिया में बेशक कास्ट फिजल आउट हो चुकी है अंडर द इम्पैक्ट ऑफ एनोनिमिटी अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन राइट बट रूरल एरियाज में अभी भी एग्जिस्ट कर रही है नाउ दिस लोअर क्लास पर्सन केम ठीक है तो वो बैठे हुए थे खाट पे राइट खाट पे चारपाई पे बैठे हुए थे जो मेरे फ्रेंड के फादर थे और ये तो वो आया और ये हुक्का पी रहे थे ये लोग ठीक है वो आया लोअर कास्ट एंड माय फ्रेंड्स फादर आस्क्ड हिम टू सिट अलोंग विद देम एंड टू शेयर द हुक्का राइट हुक्का शेयर करने के लिए बोला लेकिन जो फेलो ब्राह्मण था जो रूरल एरिया में वहां पे रह रहा था उनका दोस्त उन्होंने उसको मना कर दिया कि वो हमारे बराबर का नहीं है और हमारे साथ नहीं बैठ सकता और हमारा हुक्का शेयर नहीं कर सकता एंड वो मेरा फ्रेंड उसमें बड़ा सरप्राइज और शौक रहा ये अभी भी ये चीज़ें चल रही हैं राइट अभी भी चीजें चल रही है इंडिया में ये एंड वो बैठा नीचे बैठा लोअर कास्ट और फिर उसको काउंटर तो नहीं कर सकते देन माय फ्रेंड्स फादर ही शेयर्ड सिगरेट विद हिम राइट उनको सिगरेट एक्सटेंड किया एंड दीज पीपल आर स्मोकिंग हुक्कास एंड दैट पर्सन यू आर सिटिंग ऑन द फ्लोर एंड स्मोकिंग अ सिगरेट राइट सो दीज थिंग्स आर स्टिल कंटिन्यूइंग इवन इन द मॉडर्न टाइम स्पेशली इन द रूरल हिंटरलैंड ऑफ इंडिया ठीक है अभी भी परसिस्ट करता है कास्ट राइट सी वन मोर डायमेंशन दैट आई वांट टू डिस्कस बिफोर मूविंग अहेड विद द लेक्चर इज घूरे आस्क्स एंड आंसर्स दिस क्वेश्चंस हु आर द अनटचेबल्स untouchables and he answers it by saying that untouchables constitute the fifth order of Hindu society Untouchables constitute the fifth order of Hindu society who are excluded from right the fourfold varna of Hinduism theek hai ये घोरे सेज ठीक है कि ये बोला जाता है अब इसका जस्टिफिकेशन क्या दिया जाता है ये मनुस्मृति में लिखा हुआ है राइट दैट इज द लॉ ऑफ मनु धर्मशास्त्र दिस इज अ धर्मशास्त्र अ लॉ बुक और कॉड बुक ऑफ बिहेवियर कॉड फॉर द बिहेवियर ऑफ द पीपल राइट मनुस्मृति में लिखा हो गया है कि जो सुप्रीम क्रिएटर है ब्रह्मा सुप्रीम क्रिएटर इसमें मेंशन किया गया है ब्रह्मा द सुप्रीम क्रिएटर उसका सैक्रीफाइस किया गया सुप्रीम कोर्ट क्रिएटर ने सैक्रीफाइस किया और सुप्रीम क्रिएटर के डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी का इमर्जेंस हुआ है डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी का इमरजेंस हुआ है राइट तो ब्राह्मण
का इमर्जेंस हुआ बेसिकली प्रीस्ट स्कॉलर्स एंड प्रीस्ट उनका इमर्जेंस हुआ है फ्रॉम द माउथ ऑफ द सुप्रीम क्रिएटर. क्षत्रिया का फ्रॉम द आर्म्स ऑफ द सुप्रीम क्रिएटर. वैश्यज का फ्रॉम द थाइज ऑफ द सुप्रीम क्रिएटर. और शूद्र का फ्रॉम द फीट ऑफ द सुप्रीम क्रिएटर. तो ये माना जाता है कि ये एक हिरार्की ही है, ठीक है, लेकिन ये जो अनटचेबल्स हैं उनका तो ओरिजिन यहां से भी नहीं हुआ है. दे आर एक्सक्लूडेड और कैप्ट आउट ऑफ द फोर फोल्ड वर्णा डिस्टिंक्शन ऑफ हिंदुइज्म, राइट. सो अब इसमें भी दीज अपर थ्री कास्ट आर देयर, दे आर ट्वाइस बॉर्न. शूद्रास आर नॉट अनटचेबल्स, राइट. हाउएवर टी के उमन सेज कि देर इज अ डिस्टिंक्शन विच शुड बी मेड बिटवीन अनटचेबल्स एंड अनअप्रोचेबल्स, राइट. अनटचेबल्स को हमें अनअप्रोचेबल्स बोलना चाहिए और शूद्रास को अनटचेबल्स बोलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तो आप अप्रोच भी नहीं कर सकते हो. और शूद्रा को बेसिकली ये उनका इंटीग्रेशन है हिंदू सोसाइटी में, लेकिन उनको टच नहीं कर सकते अपर कास्ट. ये टी के उमन बोलते हैं, लेकिन वी आर नॉट गोइंग इन टू दैट, ठीक है, राइट. सो दीज अनटचेबल्स आर केप्ट आउट ऑफ द फोर फोल्ड वर्ण ऑफ हिंदुइज्म. सो दे आर नॉट इवन क्रिएटेड, राइट. तो इट मीन्स दे आर नॉट डिवाइन बिकॉज दे आर नॉट द क्रिएशन ऑफ द दे आर नॉट डिवाइन दे आर नॉट द क्रिएशन ऑफ गॉड, राइट. वेर एज दीज अदर वर्णास, राइट, दे आर द क्रिएशन ऑफ गॉड. तो उनमें तो डिविनिटी है, शूद्र में भी डिविनिटी है, लेकिन ये जो आउटकास्ट हैं, राइट, इनमें डिविनिटी नहीं है, दे आर नॉट द क्रिएशन ऑफ गॉड. और इसी कंटेक्स्ट में अगर आप देखो, जब गांधी जी रिफॉर्म कर रहे थे और जब इन्होंने इनका नाम दिया हरिजन, अनटचेबल्स को नाम दिया हरिजन, इसका सिग्निफिकेंस देखो कि दीज गांधी जी टर्म देम एज द सिटीजन ऑफ गॉड, राइट. नाउ मोस्ट ऑफ द पीपल स्टडी हिस्ट्री एंड अनटिल एंड अनलेस यू स्टडी सोशियोलॉजी वॉन्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड वाई गांधी जी कॉल देम हरिजन्स, द चाइल्ड ऑफ गॉड, राइट. सो दैट इज वाई आई सेड सोशियोलॉजी विदाउट हिस्ट्री इज रूटलेस एंड हिस्ट्री विदाउट सोशियोलॉजी इज फ्रूटलेस, राइट, ठीक है. नाउ वट आई एम ट्राइंग टू डिस्कस इज फिर इनका ओरिजिन कैसे हुआ है अनटचेबल्स का. और इसमें से अनटचेबल्स की भी बहुत सारी वो है, अलग अलग कैटेगरी पीपल हैं. उसमें से एक का बात करते हैं, विच आर चांडाल्स. चांडाल्स आर समवन हु डील विद डेड बॉडीज, बर्निंग ऑफ डेड कॉप्सिस, राइट. अगर आप ग्रेवयार्ड से भी आते हो तो आप सबसे पहले अपने आप को क्लींस करते हो. यू आर नॉट इवन अलाउड टू एंटर योर होम प्रीमाइसिस अंटिल एंड अनलेस यू आर टेकन अ बाथ और क्लींस्ड योरसेल्फ, राइट. तो चांडाल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बर्निंग ऑफ डेड कॉप्सिस. और इसमें से हम देखते हैं इनका एक का ओरिजिन बात करते हैं घूरे, और वो मनुस्मृति को ही कोट करते हैं कि मनुस्मृति में ये लिखा हुआ है कि चांडाल्स आर इसेज द मोस्ट चांडाल्स आर द प्रोजनी आर द प्रोजनी राइट दे आर द चाइल्ड ऑफ बट दे आर द प्रोजनी ऑफ मोस्ट हेटेड ऑफ रिवर्स ऑर्डर ऑफ मिक्स्ड यूनियंस. मतलब मनुस्मृति में मनु ने प्रमोट किया था और प्रिस्क्राइब किया था कि किस किस लोगों का संगम हो सकता है, कौन कौन लोग आपस में मैरिज कर सकते हैं, ठीक है. उसमें मनु सेड कि एंडोगैमी, योर मैरिज विद इन द कास्ट इज दिस इज द मोस्ट आइडियल सिनारियो. दिस इज द मोस्ट आइडियल सिनारियो एंड इफ यू आर डूइंग दिस इज हाईली अप्रिशिएटेड, ठीक है. लेकिन इसके बावजूद भी दो टाइप ऑफ अदर मैरिजेज हैं. वन इज अनुलोमा मतलब व्हेन द अपर कास्ट मेल फ्रॉम द अपर कास्ट मैरिज अ फीमेल फ्रॉम द लोअर कास्ट.
इसको अप्रिशिएट नहीं किया जाता बट इट इज स्टिल टॉलरेटेड, स्टिल टॉलरेटेड, ठीक है। यहां पे मैंने क्या बोला, रिवर्स ऑर्डर ऑफ मिक्स्ड यूनियन, ये रिवर्स ऑर्डर है, लेकिन इसको ये भी स्टिल टॉलरेटेड, अपर कास्ट मेल शादी करेगा लोअर कास्ट फीमेल को, इसको भी टॉलरेट किया जा सकता है, और दिस इज अ पार्ट ऑफ समथिंग नोन एज द नेचुरल ऑर्डर, नेचुरल ऑर्डर, दिस इज समथिंग विच इज नेचुरल, हो सकता है, इट इज डिस्पाइज्ड बट इट इज स्टिल टॉलरेटेड, राइट। एंड वन इज प्रतिलोमा, दिस इज प्रतिलोमा, जिसमें एक हायर कास्ट फीमेल मैरिज अ लोअर कास्ट मेल, राइट, दिस इज द रिवर्स ऑर्डर, ये रिवर्स ऑर्डर है, देन दिस इज नॉट द नेचुरल ऑर्डर ऑफ द थिंग्स, राइट। अनुलोमा, लोमा मीन हेयर, राइट, तो नेचुरल ऑर्डर ऑफ थिंग्स, एंड दिस इज प्रतिलोमा अगेंस्ट द नेचुरल ऑर्डर थिंग, दिस इज द रिवर्स ऑर्डर, सो दिस वॉज हाईली डिस्पाइज्ड, राइट, हाईली डिस्पाइज्ड एंड फॉरबिडन। This was highly despised and forbidden. और इनको most hated क्यों है? क्योंकि ये भी इसका एक extreme case है। ये जो प्रचंड चंडाल से बोला गया है इस text में कि they are the progeny of most hated or reverse order mixed union, किसका? ब्राह्मीन female, ब्राह्मीन female और जो शूद्र male है, right? ब्राह्मीन फीमेल और शूद्र male का जो intermixing हुई आपस में और जो procreation हुआ, जो child बने, right, these are chandals and they were subsequently hated and kept out of the Hindu fold, right, this was the justification was given for their origin, theek hai, ab isme kis kitna truth hai kitna nahi hai isko T.K. Oman criticize karte hain, theek hai, T.K. Oman heavily criticizes G.S. Gore, G.S. Gore was just quoting ki ye inka origin dikhaya gaya hai, theek hai, theek, see, to maine kya bola tha, endogamy most ideal hai, now the question arises, if Brahmins wanted to prevent racial intermixing, why did they allowed anuloma? Why did they allowed anuloma? ठीक है, the thing is here is that कि जब Aryans move कर रहे थे तो male population उनकी ज़्यादा थी, females कम move हो रही थी, ठीक है, तो ultimately until and unless, ठीक है, वो जो native females हैं उनके साथ शादी नहीं करते तो उनके आगे आपस में प्रोजेनी और प्रोक्रिएशन करके अपने आगे की जनरेशन नहीं बढ़ा सकते थे, सो दैट इज वाई, हालांकि आइडियल केस तो एंडोगैमी प्रिस्क्राइब किया गया है, लेकिन इन सम केसेस अनुलोमा वाज टॉलरेटेड, राइट, ठीक है, सो दिस इज हाउ द ओरिजिन ऑफ अनटचेबल्स, और अनटचेबल्स में भी मल्टीपल कैटेगरीज हैं, एक कैटेगरी है जिनको आर्यंस फॉर सम रीजन, मैं उसको लेटर डील करूंगा, व्हेन आई विल बी टॉकिंग अबाउट श्रीनिवास, आर्यंस फॉर सम रीजन दे एक्सेप्टेड टू बी मोर क्लोजर टू देम, राइट, उसके साथ ज्यादा इंटरेक्शन है ब्राह्मीन्स की, राइट, उन कैटेगरी ऑफ अनटचेबल्स की, और उसमें से कैटेगरी ऑफ अनटचेबल्स सबसे डिस्पाइज चांडाल्स हैं, राइट। तो अब हम स्टडी करने की कोशिश करते हैं कि वट रिफॉर्म मेजर्स दैट घूरे एडवोकेटेड फॉर टू इंश्योर इरेडिकेशन ऑफ अनटचेबिलिटी फ्रॉम द इंडियन सोसाइटी, ठीक है, अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस को, राइट, इट इज अ वेरी डिग्रेडिंग प्रैक्टिस, इसको कैसे एरेडिकेट और एलिमिनेट किया जाए फ्रॉम द इंडियन सोसाइटी, इसके लिए घूरे सजेस्ट मल्टीपल रिफॉर्म मेजर्स, ठीक है, घूरे एडवोकेटेड फॉर अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एंड टू प्रमोट ग्रेटर असिमिलेशन ऑफ अनटचेबल्स इन द हिंदू सोसाइटी। हमने देखा कि हाउ अनटचेबल्स देवर सेग्रीगेटेड, सेपरेटेड, देवर मेड टू सफर फ्रॉम सोशल एक्सक्लूजन, राइट, देवर कैप्ट आउट ऑफ द मेन फोल्ड ऑफ हिंदू सोसाइटी, द फोरवर्नर सिस्टम, ठीक है, देवर आउटकास्ट। नाउ इन ऑर्डर टू इंश्योर ग्रेटर असिमिलेशन, राइट, असिमिलेशन ऑफ दीज अनटचेबल्स इन द मेन स्ट्रीम ऑफ हिंदू सोसाइटी, राइट, वी नीड टू एंड देयर सेपरेशन, वी नीड टू एंड देयर सेग्रीगेशन, वी नीड टू एलिमिनेट द डिस्टेंसिंग, राइट, वी नीड टू इंश्योर देयर सोशल इंक्लूजन, ठीक है, तो ये कैसे होगा, एंड वी नीड टू प्रमोट देयर इंटीग्रेशन, लेकिन होगा कैसे, इट रिक्वायर्स वेरियस रिफॉर्म मेजर्स, ठीक है, सी दो चीज़ों को अगर आप पकड़ लोगे तो आप समझ जाओगे घोरे क्या क्या प्रपोज करने की कोशिश कर रहे होंगे।
एक तो ये कोशिश कर रहे होंगे कि अगर हमें अनटचेबल्स को इनकॉर्पोरेट करना है हिंदू सोसाइटी में, तो हमें एक तो अनटचेबल्स के अमंग्स रिफॉर्म्स लेके आएंगे, ठीक है। वी नीड टू इंक्रीज द प्योरिटी ऑफ अनटचेबल्स, द सो कॉल्ड प्योरिटी दैट इज अटैच टू द अनटचेबल्स, ठीक है। वी नीड टू इंश्योर दैट अनटचेबल्स फॉलो अ मोर प्योरर वे ऑफ लाइफ सो दैट दे कैन बी इंटीग्रेटेड इन टू द हिंदू सोसाइटी, बिकॉज उनके सेपरेशन और डिस्टेंसिंग का मेन रीजन ही उनकी इम्प्योरिटी थी, ठीक है। उसी की वजह से, जो नोशन ऑफ पॉलिटी पोल्यूशन की वजह से, उसी की वजह से उनका सेग्रीगेशन हो रहा था। तो इफ वी कुड कैरी आउट सम रिफॉर्म मेजर्स अमंगस्ट द अनटचेबल्स विच कैन इंक्रीज देयर इम्प्योरिटी, इंक्रीज देयर प्योरिटी, दैट वुड इंश्योर देयर ग्रेटर इंक्लूजन और इंटीग्रेशन इन द हिंदू मेन स्ट्रीम हिंदू सोसाइटी, बिकॉज दैट वुड डन अवे देयर सेपरेशन एंड डिस्टेंसिंग विच वॉज बेस्ड ऑन देयर इम्प्योरिटी, ठीक है। एक तो रिफॉर्म, एक दो रिफॉर्म मेजर्स होंगे अमंग्स द अनटचेबल्स, कुछ रिफॉर्म मेजर्स विल बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द अपर कास्ट टू कैरी आउट दिस रिफॉर्म मेजर्स, राइट। सम दे हैव टू शोल्डर दिस बर्डन और रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। तो ही एडवोकेट्स दिस रिफॉर्म मेजर्स एंड एडवोकेट्स एंड इनकरेजेस बोथ अपर कास्ट एंड लोअर कास्ट टू पार्टिसिपेट इन दिस मेजर्स सो दैट टुगेदर वी कैन इंश्योर इरेडिकेशन ऑफ अनटचेबिलिटी फ्रॉम द इंडियन सोसाइटी। तो अमंग्स द दलित्स फिर क्या होना चाहिए, देर शुड बी फर्स्ट रिफॉर्म मेजर ही प्रपोज दैट देर शुड बी रिफॉर्म्स अमंग्स द दलित्स, ठीक है। दलित्स के अमंगस्ट ही हमने रिफॉर्म्स करने चाहिए, ठीक है। कैसा, वी नीड टू इंश्योर दैट दे फॉलो मोर मॉरल एंड एथिकल वे ऑफ लाइफ। वी नीड टू इंश्योर दैट द लोअर कास्ट द अनटचेबल्स दे फॉलो अ मोर मॉरल हायर दे फॉलो हायर मॉरल स्टैंडर्ड्स दे फॉलो अ मोर एथिकल वे ऑफ लाइफ। अब ये क्या होगा वो हम देखते हैं, राइट। दैट इज दे फॉलो अ मोर सात्विक लाइफस्टाइल, मोर प्योरर लाइफस्टाइल। तो ये कैसे हो सकता है, फर्स्टली टी टोटलिज्म, द लोअर कास्ट और द दलित्स, राइट। हमने देखा था कि देवर कंज्यूमिंग द इम्प्योर फूड, राइट, देवर ड्रिंकिंग, दलित कल्चर वॉज सच, द लोअर कास्ट कल्चर वॉज सच, देवर एंगेज इन कंजम्पशन ऑफ एल्कोहल और लिकर, इनफैक्ट लिकर और एल्कोहल वॉज परमिटेड फॉर दैम, राइट। तो अगर वी कैन इंश्योर दैट दे एब्सटेन फ्रॉम द लिकर, फर्स्ट दिस रिफॉर्म दे वी हैव टू कैरी आउट, टी टोटलिज्म और एब्सटेनिंग फ्रॉम लिकर। सेकेंड दैट दे इन फॉलो मोर सात्विक वेजिटेरियन डाइट, राइट, दे रिजोर्ट टू वेजिटेरियनिज्म, दे गिव अप मीटिंग ऑफ ईट, मीटिंग ऑफ बीफ एंड मीटिंग ऑफ अदर एनिमल सोर्सेज, राइट, वो इससे प्योरिटी बढ़ेगी। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, वी आर ट्राइंग टू इंक्रीज द प्योरिटी, राइट, वी आर ट्राइंग टू अटैच मोर एंड मोर प्योरिटी विद द अनटचेबल्स, ठीक है। थर्ड, दे शुड बी टॉट एंड दे शुड फॉलो द लर्निंग्स एंड प्रिस्क्रिप्शंस ऑफ रिलीजियस एपिक्स एंड ग्रेट एपिक हीरोज एंड सेंट्स। जो बड़े बड़े हमारे रिलीजियस एपिक्स हैं, हमारे टेक्स्ट हैं, उसमें फिलोसफी दी हुई है, इथिक्स दी हुई है, मॉरल्स दी हुई है, कस्टम्स दी हुई हैं, राइट, ठीक है। और जो सेंट्स का जो लाइफस्टाइल था, और जो ग्रेट जो सेंट्स थे स्पेशली फ्रॉम लोअर कास्ट, दे कैन बी इंस्पायर्ड फ्रॉम देम, राइट। तो इसी को क्या बोला, जब लोअर कास्ट अपर कास्ट के कल्चर को अडॉप्ट करता है, तो आई मीन श्रीनिवास इसको संस्कृताइजेशन बोलते हैं, वो देखेंगे। सो दे नीड टू संस्कृताइज देमसेल्व्स, राइट। तो ये देखो, ये लाइफस्टाइल किनका था, ब्राह्मिन्स का, प्योरर वे ऑफ लाइफ, हायर मॉरल स्टैंडर्ड, राइट, स्ट्रिक्ट बिहेवियर, ठीक है, टी टोटलिज्म, एब्सटेंडिंग फ्रॉम लिकर, राइट, वेजिटेरियन डाइट, सात्विक डाइट, ठीक है। तो ये हमें इंश्योर करना पड़ेगा, टी टोटलिज्म, और वी कैन इंश्योर दैट दे फॉलो द फिलोसफी, द एथिक्स, द वैल्यूज, द मॉरल्स एंड आइडियल्स इंश्राइंड इन दिस ग्रेट एपिक्स एंड टेक्स्ट, ठीक है। इससे क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखो वाल्मीकि, now there are different sources who claim the origin of Valmiki from different backgrounds. Some sources claim that Valmiki, the Rishi Valmiki or the sage Valmiki, he belonged to the lower caste. He was initially a rover, ठीक है, who reformed himself and thereby he attained, he became the great religious saint or great religious guru or great Rishi, and he was highly venerated in the Hindu society, right? तो हम ऐसे अपने आप को रिफॉर्म कर सकते हैं जैसे वाल्मीकि जी ने किया, ही वेंट फ्रॉम अ रोवर टू अ ग्रेट सेज। ऐसे आप देखो, ग्रेट मल्टीपल ग्रेट सेंट्स, दे केम फ्रॉम द लोअर कास्ट, राइट, दे अडॉप्टेड अ प्योरर एंड सात्विक वे ऑफ लाइफ, दे फॉलोड द एथिक्स, मॉरल एंड कस्टम्स
of these great religious epics, right? And these, they, for example, the great sages and saints, they were allowed entry into the fold of Hinduism. They became, they were highly involved in the bhakti movement, right? Love and devotion for God, bhakti movements, right? And they're highly venerated in the Indian society, in spite of their belonging to the lower caste. तो हम ये सारी चीजें इंश्योर कर सकते हैं. तो इससे क्या है, वी नीड टू इंक्रीज द प्योरिटी दैट इज अटैच्ड विद दिस लोअर कास्ट. सो दे नीड टू रिफॉर्म देयर वे ऑफ लाइफ, दे नीड टू रिफॉर्म देयर लाइफस्टाइल, राइट? ठीक है. सेकंड पॉइंट हियर इज दे शुड बी गिवन, सेकंड वो साइंटिफिक जो बोलते हैं पॉइंट, दैट गोरे बोलते हैं, दे शुड बी गिवन साइंटिफिक ट्रेनिंग, राइट? वी शुड इंश्योर ग्रेटर यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन. कैसे, क्यों? To ensure, now this is the keyword, to ensure the art of personal cleanliness and hygiene and purity even under the specific conditions of these traditional occupations, right? See, हम ये कर सकते हैं कि जो lower caste है, right, they are following degrading and menial occupations, right, impure occupations, greater impurity, unhygienous, lack of cleanliness, more impurity is attached, or more dirt is attached to these occupations, right? But अगर हम technology का use करते हैं, scientific processes का use करते हैं, innovation का use करते हैं, तो हम ensure कर सकते हैं कि even these so-called dirty occupations could be carried out in a more professional, in a more hygienic manner, to ensure more cleanliness. तो हम यही गुरे बोलते हैं, यूजिंग साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन वी कैन इंश्योर आर्ट ऑफ पर्सनल क्लीनलीनेस, हाइजीन एंड प्योरिटी इवन अंडर द स्पेसिफिक कंडीशन ऑफ कैरिंग आउट दिस ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशंस. कैसे, मैं आपको एग्जांपल देता हूं. तो यहां से हम एग्जांपल क्या देते हो, इरेडिकेशन ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग. ठीक है, घोरे नहीं देते, दिस इज माई एग्जाम्पल दैट आई एम गिविंग हियर इन ऑर्डर टू सब्सटेंशिएट दिस व्यू पॉइंट ऑफ घोरे, राइट? आप देखो, मैनुअल स्कैवेंजिंग इट इज हाईली डिग्रेडिंग प्रैक्टिस, राइट? ठीक है, अब इसको इरेडिकेट हम आसानी से कर सकते हैं. फर्स्ट वी नीड टू मूव फ्रॉम ड्राई लैटरिन्स टू वेट लैटरिन्स, राइट? देन सीवर्स अगर अच्छे से बने हुए हो तो उसके बाद आप मैनुअल स्कैवेंजिंग को एलिमिनेट कर सकते हो. कैसे कर सकते हो, थ्रू द प्रोसेस ऑफ मैकेनाइजेशन एंड ऑटोमेशन. ठीक है, थ्रू द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, राइट? थ्रू द यूज ऑफ मशीन्स. You cannot employ people, but you can use machines, right, to clean these sewers, right? So, eradication of manual scavenging through mechanization and automation, through the use of these machineries in order to clean these sewers, right? So, even the person who is engaged in this occupation will be staying away from that, will be staying away from impurity, right? Because here, technology or these machines are the intermediaries, right? He is using the right tool, and thereby he can dissociate himself with the impurity that is attached to this occupation, right? So we need to, through use of science, technology and innovation, we need to ensure dissociation of impurity from occupation. ठीक है, और government ने ये कोई scheme भी launch की है जिसमें it is government is ensuring that the manual scavenging should be continuously replaced by the mechanized and we can say automatic cleaning of these sewers and potholes, right? इसके बाद भी अगर देखो, for example occupations like tanning of leather या फिर slaughter houses, right? इसमें भी हम क्या है, scientific processes और technology और equipment का use करके we can ensure cleanliness and hygiene, right? और एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल आई टॉक अबाउट रेलवेज, अगर उसमें देखो बायो टॉयलेट्स का यूज होगा और एंड प्रोडक्ट जो होगा उस प्रोसेस का विल बी क्लीन वाटर. ठीक है, तो ऐसे यूज करके वी कैन डिसोसिएट इम्प्योरिटी फ्रॉम दिस ऑक्यूपेशंस. और घूरे बोलते हैं अल्टीमेटली व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज, घूरे सेज इवेंचुअली द अदर सेक्शंस ऑफ हिंदू सोसाइटी, इवन द अपर कास्ट विल इवेंचुअली रियलाइज दैट दीज ऑक्यूपेशंस कैन बी कैरिड ऑन बाई ऑल the members of the society without attaching to them their traditional ideas of impurity, right? Jo traditional ideas of impurity which are attached to these occupations, they can be carried on without attaching these necessary ideas, right? So even the upper caste will realize, and subsequently there is a possibility that the upper caste might style will eventually start following these occupations.
ठीक है, तो वो जो ऑक्यूपेशन स्पेसिफिसिटी थी वो चली जाएगी कि ओनली दीज कास्ट हैव टू परफॉर्म. अगर यहाँ से यूटिलिटी मिलती है अपर कास्ट को और हाइजीन इंश्योर कर देते हो, इवन अपर कास्ट विल इवेंचुअली स्टार्ट फॉलोइंग दीज ऑक्यूपेशन विच आर कंसिडर्ड टू बी डिग्रेडिंग एंड मीनियल. लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल. ठीक है, एम एन श्रीनिवास का रीडिंग अ बुक प्रीवियस डे, और उसमें एम एन श्रीनिवास यही बोलते हैं कि जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगा अर्बनाइजेशन बढ़ेगा, ठीक है, तो जो ऐसा था कि जो ऑक्यूपेशन था विच वॉज एक्सक्लूसिवली रिजर्व फॉर अनटचेबल्स कुड बी टेकन बाय द अपर कास्ट एज वेल, अगर उसके साथ ग्रेटर रेन्यूमरेशन है. ठीक है, जैसे मैं बाद में आपको दूंगा जब मैं संस्कृताइजेशन पढ़ूंगा, नोनियाज एक कास्ट थी, राइट, और देवर द अनटचेबल्स बिलोंग टू द लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. अल्टीमेटली द ब्रिटिश केम, राइट, और ब्रिटिश ओपन्ड दिस सॉल्ट मैन्युफैक्चर टू ऑल. तो वहां से जब ब्रिटिश ये ऑक्यूपेशन से लेके आए, दीज पीपल फ्रॉम द लोअर कास्ट दे लेस्ट ऑन दीज अपॉर्चुनिटीज एंड दे अपग्रेडेड देयर क्लास स्टेटस, दे बिकेम रिच सडनली. ठीक है, तो ऐसा पॉसिबिलिटी है अगर इन ऑक्यूपेशन के साथ भी ऐसा हो सकता है कि इवेंचुअली द अपर कास्ट अदर कास्ट माइट स्टार्ट फॉलोइंग दीज ऑक्यूपेशन. एंड वन ऑफ माई फ्रेंड, राइट, I met him while I was preparing for UPSC, right? A brilliant guy. So he is basically from a Brahmin community, right? So he was not able to clear, right? In the very first time he appeared for interview, but ultimately he was not able to clear the examination. Thereafter he decided to pursue agriculture, right? And thereby he diversified his agricultural this portfolio, and ultimately he jumped into, right, apart from he was there in animal husbandry, and ultimately he jumped into piggery, right. To wo pigs ka bhi usne ek pig farm khola. Now a Brahmin who is engaged in this, and he is using the modern practices, science and technology, right, best technologies, best practices to carry out this occupation and to make it more efficient and profitable and cost efficient as possible. ठीक है, now the same person is also criticized by his parents that he is not taking a job and he is engaged in these occupations, right? For this is what Bhukhire was trying to argue. Ultimately other castes will eventually realize that that impurity cannot be attached to these occupations, and using science, technology, scientific processing equipments, we can dissociate the impurity attached to these occupations, and eventually the other castes will going to latch onto these opportunities and going to increasingly participate in these occupations as well, right? Thirdly, he was advocating for increase in social interaction of upper caste with lower caste. Hame social interaction, सोशल इंटरकोर्स और सोशल इंगेजमेंट बढ़ानी पड़ेगी अपर कास्ट और लोअर कास्ट पे. ठीक है, इसमें उनकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी थी अपर कास्ट को. इन्होंने बोला कि टू रिड्यूस डिस्टेंसिंग एंड सेपरेशन वी नीड टू टेक मेजर्स टू इंक्रीज पब्लिक कॉन्टैक्ट ऑफ द लोअर कास्ट विद द अपर कास्ट. अगर हम ये इंश्योर करें कि लोअर कास्ट का सोशल इंटरेक्शन, पब्लिक कॉन्टैक्ट, सोशल इंगेजमेंट, सोशल इंटरकोर्स बढ़ जाए अपर कास्ट के लिए, तो कहीं ना कहीं हम डिस्टेंसिंग और सेपरेशन को खत्म कर सकते हैं. तो उन्होंने एक रिफॉर्म मेजर सजेस्ट किया. उन्होंने बोला कि द ही आर्ग्यूड दैट द पीपल फ्रॉम लोअर कास्ट शुड बी पोस्टेड इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट स्पेशली एज पोस्टमैन एंड क्लर्क्स. नाउ व्हाई पोस्टमैन एंड क्लर्क्स? इसलिए क्योंकि अब देखो पोस्टमैन का पब्लिक कॉन्टैक्ट बहुत हो जाता है, राइट, डेली वो चिट्ठी डिलीवर करते हैं. अब ये चिट्ठी डिलीवर करेंगे अपर कास्ट को भी, राइट, तो उसमें क्या होगा? He says greater, इससे क्या होगा? ग्रेटर पब्लिक कॉन्टैक्ट होगा और सेकुलर कंस्ट्रेंट्स होगा अपर कास्ट पे भी. वो चिट्ठी जॉब की हो क्या पता, राइट, या बहुत इंपॉर्टेंट चिट्ठी आई हो, ठीक है, उसको लेटर वो लेना है तो दे हैव टू बी इन कॉन्टैक्ट विद दिस लोअर कास्ट. दे कैन नॉट अवॉइड कॉन्टैक्ट विद द लोअर कास्ट, राइट. सो अल्टीमेटली दिस प्रोसेस वी शुड स्पीड अप एंड इंटेंसीफाई दिस प्रोसेस ऑफ इंक्रीज पब्लिक कॉन्टैक्ट. और बोलते हैं कि सेकुलर कंस्ट्रेंट्स, राइट, एंड प्रैक्टिकल यूटिलिटी कंसिडरेशन विल कोअर्स और फोर्स अपर कास्ट टू फ्रीक्वेंटली कम्युनिकेट विद द लोअर कास्ट. ऐसी उनको क्लर्क्स बना दो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में, राइट, तो अगर आपको आधार कार्ड बनवाना है, ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है, ठीक है, किसी भी कास्ट के हो तो आपको इनके साथ कॉन्टैक्ट तो करना ही पड़ेगा. सो दिस इज गोइंग टू इंक्रीज पब्लिक कॉन्टैक्ट, राइट. और अगर गवर्नमेंट ऐसा कर देती जब आधार रोल आउट हो रहा था, राइट, पूरे इंडिया के लिए, और उसमें स्पेशली पोस्ट करती अगर घूरे गए सजेशन मानती, राइट, तो यहां से वो डिस्टेंसिंग और सेपरेशन काफी कम हो जाता. ठीक है,
सो दीज वर सम प्रैक्टिकल मेजर्स रेड पुट फॉरवर्ड. वो बोलते हैं इसी वजह से वो बोलते हैं कि हमें इंटरकास्ट मैरिजेस भी प्रमोट करनी चाहिए, इंटर डाइनिंग भी प्रमोट करनी चाहिए डिफरेंट कास्ट के बीच में, राइट. इनकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो नहीं है सक्सेस मेजर, लेकिन वो बोलते हैं ये भी होना चाहिए साथ साथ, ठीक है. इन पर ज़्यादा वो एम्फोसाइज करते नहीं है वैसे, ठीक है, राइट. प्लस इफ यू इंश्योर दीज गवर्नमेंट सर्वेंट्स दे आर पोस्टेड इन दिस डिपार्टमेंट्स, यू विल इंश्योर दैट विद इन दिस डिपार्टमेंट दे विल बी इंटरेक्टिंग विद देयर पीयर्स, तो वहाँ पर भी सोशल इंटरेक्शन होगा अदर कास्ट के साथ, राइट. फोर्थ इज प्रीस्टहुड. अब प्रीस्टहुड में उन्होंने लिमिटेड बोला, ठीक है, तो उन्होंने बोला कि प्रीस्टहुड शुड नॉट बी अ मोनोपोली ऑफ ब्राह्मिन्स. व्हाई शुड ओनली ब्राह्मिन्स बी प्रीस्ट, राइट. दिस इज व्हाट ही आर्ग्यूड. प्रीस्टहुड ही सेड शुड बी ओपन टू पीपल बिलोंगिंग टू ऑल कास्ट. ऑल कास्ट शुड बी एलिजिबल टू बिकम प्रीस्ट इन टेम्पल्स, ठीक है, एंड दिस शुड बी ट्रेन्ड एंड इनलाइटेंड प्रीस्ट, राइट. तो एलिजिबिलिटी क्या होगी प्रीस्ट बनने के लिए? इट शुड बी बेस्ड ऑन द लर्निंग. आपको कितना एक्सपीरियंस है, कितनी लर्निंग है हिंदू सेक्रेट टेक्स्ट की, आपको कितना विजडम है हिंदू सेक्रेट टेक्स्ट का, कितनी लर्निंग है टेक्स्ट रिचुअल्स या फिर रिलीजियस प्रैक्टिस है. ऑन द बेसिस ऑफ दैट प्रीस्ट शुड बी रिक्रूटेड, राइट. इट शुड नॉट बी अ मोनोपोली ऑफ ब्राह्मिन्स, ठीक है. उन्होंने इतना ही बोला. इसी का लॉजिकल एक्सटेंशन क्या है, अंबेडकर क्या बोलते हैं इसी के बारे में, दिस इज नॉट व्हाट घूरे सेड, पर इसी का एब्सोल्यूट लॉजिकल एक्सटेंशन है और बड़ा ही अमेजिंग कंसेप्ट है. आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिलेगी इससे. बी आर अंबेडकर क्या बोलते हैं, बी आर अंबेडकर बोलते हैं कि प्रीस्टहुड शुड बी बेस्ड ऑन मेरिट, राइट. जो प्रीस्ट बनेगा उसका रिक्रूटमेंट होना चाहिए, इट शुड बी बेस्ड ऑन मेरिट. प्रीस्टहुड क्या होना चाहिए, एक सर्विस होनी चाहिए, इट शुड बी अ सर्विस. जैसे इंडियन सिविल सर्विसेज ब्यूरोक्रेट्स को रिक्रूट करती है, ऐसे एक प्रीस्टहुड की सर्विस होनी चाहिए जो प्रीस्ट को रिक्रूट करे, राइट. एंड इट शुड बी ओपन टू ऑल कास्ट, पीपल फ्रॉम ऑल कास्ट शुड बी एबल टू कम्पीट हियर. नाउ इससे होगा क्या, सी इससे क्या होगा, इसमें सम ऑफ द दलित्स आर गोइंग टू एंटर दिस सर्विस, दलित्स आर देयर टू एंटर दिस सर्विस. तो एक तो होगा कॉन्टैक्ट विद डिवोटीज. अब डिवोटीज कोई भी जाएगा, अगर दलित एक प्रीस्ट है तो उसका पब्लिक कॉन्टैक्ट तो बढ़ेगा ही, इंटरेक्शन बढ़ेगा, इंगेजमेंट बढ़ेगा, और इससे क्या है, आप कास्ट की फाउंडेशन को पूरा हिला सकते हो. और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रीस्ट दलित जिनको पहले इंप्योर समझा जाता था, नाउ दे कैन एंटर द प्योरेस्ट प्लेस, दे कैन एक्सेस द गर्भगृह जहां पे मूर्ति रखी जाती है, दे कैन एंटर द प्योरेस्ट प्लेस, वहां पे भी वो एंटर कर सकते हैं. तो इसका रेपरकशन क्या होगा, जो नोशन थे प्योरिटी ऑफ पॉल्यूशन का, कीपिंग द प्योर एंड इम्प्योर अपार्ट, ये कोलाइड कर जाएंगे, ठीक है. और इसके बाद वो बोलते हैं, अब देखो गर्भगृह में भी भगवान को अगर आप देखो, द प्रीवियस वन आई वेंट टू शिरडी और वहाँ पे मैंने ये ऑब्जर्व किया कि प्रीस्ट वर इंगेज देयर इन अर्ली मॉर्निंग दिस क्लीनिंग एंड बाथिंग रिचुअल्स, देवर चेंजिंग द क्लॉथ्स, देवर इंगेज इन बाथिंग रिचुअल्स, देवर चेंजिंग द क्लॉथ्स ऑफ दिस ऑफ द मेन गॉड ऑफ द गर्भगृह, राइट. देवर इंगेज इन क्लीनिंग ऑफ साई बाबा, राइट. तो ये सारे रिचुअल्स वो फॉलो कर रहे थे. नाउ इफ द इम्प्योर्स, राइट, वो वर कंसिडर टू बी अस्टवाइल इम्प्योर्स दलित्स, इफ दे कैन डू दिस, इफ दे कैन एक्सेस द मोस्ट प्योरेस्ट प्लेस, तो पूरे के जो पूरा नोशन ऑफ प्योरिटी और पोल्यूशन और टू कीपिंग द वर्ल्ड ऑफ प्योर एंड इम्प्योर सेपरेट एंड डिस्टेंट एंड अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, दिस इज गोइंग टू कोलाइड. और यहाँ पे दिस विल बी द लार्जेस्ट असॉल्ट ऑन नोशंस ऑफ प्योरिटी एंड पोल्यूशन. और यहाँ पे अंबेडकर ऑब्जर्व करते हैं, इफ प्रीस्टहुड इज डेमोक्रेटाइज, राइट, इफ प्रीस्टहुड इज डेमोक्रेटाइज द कोर वुड मेल्ट एंड द कास्ट सिस्टम वुड इवेंचुअली कोलैप्स, राइट. सी नाउ आई विल बी कंक्लूडिंग दिस लेक्चर बाई टॉकिंग अबाउट अ टर्मिनोलॉजी. घूरे टॉक्स अबाउट कास्ट पैट्रियोटिज्म. वट इज कास्ट पैट्रियोटिज्म? तो इसको देखने से पहले हमें बहुत सारी अलग डायमेंशंस देखनी पड़ेंगी बिफोर कमिंग टू द कंसेप्चुअलाइजेशन एंड मीनिंग ऑफ कास्ट पैट्रियोटिज्म, ठीक है. घूरे का क्या मानना है, सी घूरे आर्ग्यूज फर्स्ट ऑफ ऑल ही सीवियरली कंडेम्स एंड क्रिटिसाइजेस कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर्स, राइट. कॉलोनियल, वी कैन से ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर्स. फॉर एग्जाम्पल रिजले, हर्बर्ट रिजले
Why is he criticizing these colonial administrators? Herbert Risley was also the census commissioner of India, right? Why is he criticizing these British colonial administrators? He is criticizing them because he says they were responsible for carrying out caste census in India. Responsible for carrying out caste census in India. Now, why is he criticizing the practice of caste census? ठीक है, वो बोलते हैं कि फर्स्ट टाइम कास्ट सेंसस हुआ था अंडर ब्रिटिश. ठीक है, कास्ट सेंसस के अकॉर्डिंग घोरे बोलते हैं कास्ट सेंसस इंक्रीज्ड कास्ट अवेयरनेस and caste consciousness among the people. जो caste census हुआ उसने इंडिया के लोगों में caste consciousness बढ़ा दी, casteism बढ़ा दिया, caste awareness बढ़ा दी among the people, right? He said through caste census Britishers ensured elaborate enumeration of castes. Not only they enumerated and identified the different castes, but they also created an hierarchical order of castes, right? What they did is, in their caste census, they enumerated different caste, and they kind of put these different castes in an hierarchical order in a top-down manner, right? Created an hierarchical order of caste, right? By placing different castes, in this hierarchical order in top down manner, right? तो ब्रिटिशर्स ने डिफरेंट कास्ट को एनुमरेट किया और इन कास्ट को एक हिरार्की में ऑर्गेनाइज कर दिया, राइट, डिटेल्ड हिरार्की में. तो इसको घुरे क्यों क्रिटिसाइज करते हैं? वो बोलते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल इट इंक्रीज्ड कास्ट कॉन्शियसनेस, राइट? People got aware of their caste identity, right? When they saw their caste represented on paper, right? So this kind of labeling kind of concretized their caste identity, right? So हम बोल सकते हैं, घुरे बोलते हैं, this led to crystallization and consolidation of caste, right? और बोलते specifically, he observes, it led to livening up of caste spirit in India. Right, it led to livening up of or animating the caste spirit, right, which was the dormant in nature, which was dormant, but through elaborate enumeration, right, through explicitly ordering this caste in an hierarchy, people got aware of their caste, they got aware of their caste position in this hierarchy, right?
ठीक है, एंड इट काइंड लेड टू क्रिस्टलाइजेशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ कास्ट, ठीक है, एंड ही क्रिटिसाइजेस द ब्रिटिश प्रैक्टिस ऑफ लेबलिंग, राइट, यू आर लेबलिंग डिफरेंट पीपल इन डिफरेंट कैटेगरीज, राइट, वंस यू आर स्टार्ट लेबलिंग डिफरेंट पीपल इन डिफरेंट कैटेगरीज, राइट, दिस प्रैक्टिस ऑफ लेबलिंग एंड पिजन हॉलिंग, दिस इज नोन एज पिजन हॉलिंग, प्रैक्टिस ऑफ लेबलिंग एंड पिजन हॉलिंग, राइट, इट लेड टू जनरेशन, और यू कैन से फिक्सेशन ऑफ कास्ट आइडेंटिटी, यू हैव फिक्स्ड देयर कास्ट आइडेंटिटी, यू हैव फिक्स्ड द कास्ट आइडेंटिटी इन पीपल, यू हैव लेबल्ड दीज पीपल एंड देन दे कंसिडर दिस आइडेंटिटी एज द इटर्नल आइडेंटिटी, राइट. अब इसका क्रिटिसिज्म वो कैसे करते हैं, वो बोलते हैं कि सी कास्ट में ऐसा कुछ फिक्स्ड ऑर्डर नहीं था इंडियन कास्ट सिस्टम में, राइट. वो बोलते हैं कास्ट, राइट, और इसके साथ श्रीनिवास, दिस आर्ग्यूमेंट, वन ऑफ द फॉरमोस्ट प्रोपोनेंट ऑफ दिस आर्ग्यूमेंट वाज एम एन श्रीनिवास, बट घोरे इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट दिस. ही सेज कास्ट सिस्टम में पहले भी मोबिलिटी थी, राइट, डायनेमिज्म था, फ्लुइडिटी थी, राइट, कास्ट वाज एमनेबल टू चेंज, कास्ट आइडेंटिटी वाज एमनेबल टू चेंज. हम संस्कृताइजेशन में देखेंगे कि कास्ट आइडेंटिटी वाज नॉट फिक्स्ड, इट वाज मोबाइल, देर वाज डायनेमिज्म एंड देर वाज फ्लुइडिटी, राइट. कास्ट में संस्कृताइजेशन हम देखेंगे जब श्रीनिवास बात करेंगे, कास्ट में भी मोबिलिटी थी, राइट. और स्पेशली वो बोलते हैं कि देर वाज लॉट ऑफ कंफ्यूजन एंड एम्बिग्यूटी रिगार्डिंग, देर वाज कंफ्यूजन एंड एम्बिग्यूटी रिगार्डिंग वंस कास्ट पोजिशन, कि हमारी कास्ट पोजीशन क्या होगी, स्पेशली देर वॉज कंफ्यूजन एंड एम्बिग्यूटी इन द इंटरमीडिएट स्ट्रेटा, ठीक है. ही सेज ओनली द पोजीशन ऑफ टॉपमोस्ट कास्ट, दैट इज topmost caste, that is Brahmins, and lowermost caste, that is the untouchables, were fixed. These were fixed. तो अगर मैं एक हिरार्की लूँ, हिरार्की तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि खाली ब्राह्मिन्स कौन थे और untouchables कौन थे, इनकी आइडेंटिटी फिक्स थी, इनकी कास्ट पोजिशन फिक्स थी, एंड एवरी वन वॉज अफेयर. जो बीच में ये जो इंटरमीडिएट स्टेटा था, इसमें किसकी क्या कास्ट पोजीशन होगी, दीज वर, यहां पे काफी कंफ्यूजन था, राइट. एक एक्स कास्ट है, एक वाई कास्ट है, राइट, या फिर जेड कास्ट है. अब ऐसा भी हो सकता है कि एक्स अपने आप को सुपीरियर क्लेम करे जेड से, जेड सुपीरियर क्लेम करे एक्स से. सो देर वॉज लॉट ऑफ एम्बिग्यूटी, कंफ्यूजन एंड अनसर्टेनिटी इन इंटरमीडिएट स्ट्रेटा. प्लस यहां पे क्या मोबिलिटी भी थी, राइट, जो लोअर कास्ट है इट कुड मूव अप, ठीक है, क्योंकि ये हिरार्की रिजिड और फिक्स्ड नहीं थी, डिफाइंड नहीं थी. लोगों को कास्ट आइडेंटिटी वाज नॉट फिक्स्ड इन स्टोन, इट वाज एमेनेबल टू चेंज. और लोगों को रिलेटिव पोजीशन के बीच के बारे में भी इंटरमीडिएट स्टेटा में कंफ्यूजन थी, एम्बिग्यूटी थी, कुछ क्लियर नहीं था. और मैं आपको एग्जांपल देता हूं, फिर आगे भी पढ़ेंगे हम. के एम पनीकर एक हिस्टोरियन बोलते हैं, एंड ही सेज कि नंदाज, राइट, द नंदा नंद डायनेस्टी, दे वर द लास्ट ट्रू क्षत्रियाज, ठीक है. उनके बाद जो क्षत्रियाज आए हैं, बेसिकली ज्यादातर काफी कुछ हैं शूद्र थे, राइट. शूद्र क्या थे, दे लैस्ड ऑन द पावर, जिनको इकोनॉमिक मिला, पावर मिला, ठीक है, दे कार्ड आउट देयर किंगडम्स एंड दे
joined the rank of the Kshatriyas. तो उसके बाद Kshatriyas क्या है? They were recruited from the different sections. Kshatriya was not a defined caste or not a defined varna. ठीक है, तो हम कास्ट पोजिशन को ऐसे फिक्स नहीं कर सकते हैं. ठीक, तो फॉर एग्जाम्पल मैंने एग्जाम्पल दिया था एक बार शिवाजी का, राइट. ठीक है, शूद्र बोला जाता है. बहुत सारी जो कास्ट हैं एग्रीकल्चरल कास्ट, लाइक जाट के राजा भी रहे थे, कास्ट नाउ जाट्स और ओरिजिनली शूद्रास एग्रीकल्चरल कास्ट, वो सारे सब शूद्र होंगे एग्रीकल्चरल कास्ट. ठीक है, तो ऐसे मल्टीपल कास्ट हैं, वो एबल टू कैप्चर पावर. संस्कृताइजेशन बोलेंगे, राइट, कंटेक्चुअल व्यू ऑफ संस्कृताइजेशन हम बढ़ेंगे बाद में. तो दे वर एबल टू कैप्चर पावर एंड देयर बाय दिस कास्ट पोजिशन एंड कास्ट आइडेंटिटी वॉज नॉट फिक्स्ड, स्पेशली इन द इंटरमीडिएट स्टेटा देर वॉज लॉट ऑफ फ्लूडिटी एंड डायनेमिज्म एंड कास्ट आइडेंटिटी वॉज नॉट फिक्स्ड, राइट. अब ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि वंस दे काइंड ऑफ इन्यूमरेटेड, राइट, उन्होंने एक ऐसी हिरार्की बना दी, लोगों को बुलाया, सबके क्लेम्स देखे और उन्हें एक हिरार्की बना दी कि ये आपकी कास्ट और ये डिफरेंट पोजिशन है और ये कास्ट, ये डिफरेंट डिफरेंट कास्ट, इनकी डिफरेंट डिफरेंट ये पोजिशन है. ठीक है, तो अगर आपको ऐसे सोर्स मटेरियल मिल जाए, रेफरेंस मिल जाए, तो दिस समहाउ फिक्सेस योर कास्ट आइडेंटिटी कि वी आर हेयर एंड वी आर हेयर एंड इट इज नॉट सब्जेक्टेड टू चेंज, राइट. सो दिस आपको एक लेबल मिल जाता है, तो वहां से आपको आइडेंटिटी मिल जाती है और ये लेबल प्रॉपरली डिफाइन किया, एनुमरेट किया, एलोबरेट किया. तो इसी वजह से उन्होंने बोला कि दिस वॉज नॉट अ फाइनल और फिक्स्ड, कास्ट पोजिशंस वर नॉट फाइनल एंड फिक्स्ड, ओनली द टॉप मोस्ट लोअर मोस्ट क्राइटेरिया वर स्टेटा वर डिफाइंड, एवरीथिंग एल्स वॉज सब्जेक्टेड टू चेंज एंड फ्लूडिटी एंड डायनेमिज्म, कास्ट आइडेंटिटी वॉज नॉट फिक्स्ड. तो वंस पीपल न्यू दैट देर वॉज अ डॉक्यूमेंट, दे कुड चेक देयर पोजिशन एंड हायरार्की कि वेयर डू दे लाई, एंड दिस इज हाउ दे वर एबल टू आइडेंटिफाई विद देयर कास्ट, अपनी कास्ट आइडेंटिटी वहां से वो लेबलिंग, जब उन्होंने अपने लोगों की लेबलिंग कर दी, आपने आइडेंटिफाई कर दिया कि दिस इज द कास्ट यू बिलोंग टू, दिस इज योर पोजिशन एंड दिस इज फिक्स्ड इन स्टोन, दिस इज नॉट अमेनेबल टू चेंज, दिस इज नॉट मैलिएबल. ठीक है, ऐसे ही देखो घूरे जब बोलते हैं, घूरे इसीलिए पहले ये भी बोलते हैं कि कास्ट ट्राइब डिस्टिंक्शन नहीं होना चाहिए. ये दिस इज द इन्वेंशन ऑफ द ब्रिटिश. ब्रिटिशर्स जब आए तो उन्होंने देखा कुछ कम्युनिटीज का लाइफस्टाइल अलग है, दे आर लिविंग इन फॉरेस्ट, राइट, दे आर आइसोलेटेड. घोरे ने बोला कि ये जो प्रोसेस चल रहा था पहले से ही आर्यन वैदिक कल्चर में और हिंदुइज्म में डिफ्यूजन, उसमें डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज वर असिमिलेटेड, वर गेटिंग असिमिलेटेड इनटू दिस कल्चर, डिफ्यूजन के थ्रू अकल्चरेशन और असिमिलेशन हो रहा था. ठीक है, दिस वॉज गोइंग ऑन फॉर थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स. और इससे क्या है कि जब ब्रिटिशर्स आए तो उनका कंटेक्स्ट जो था, टाइम ऑफ रेफरेंस क्या था, कि दीज वर सर्टेन कम्युनिटीज, दीज वर डिफरेंट फ्रॉम हिंदूज, दे वर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई दैट पीपल ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज, they themselves got assimilated into the broader Hinduism culture through the process of diffusion, and these communities they are left behind in this race of diffusion. तो उन्होंने इस communities को fix कर दिया, इनकी identity fix कर दी कि these are tribals. उन्होंने बोली identity fix ही नहीं होनी चाहिए. Once you fix your identity, then these people started identifying themselves as separate and different from the Hindus. They started identifying themselves as tribals, separate culture, separate history. We are separate from them. We are not Hindus. This is what he was criticizing, that you cannot label one's identity for eternity, right? तो लोगों को caste awareness ही यहाँ से आई, जब caste census होने लगा, they got aware of their caste identity and they claimed as if this caste identity is not subjective to change, it is eternal, it is fixed in stone. So once people got aware of their caste identities, तो लोगों में अपनी caste के प्रति जागरूकता बढ़ी, caste awareness बढ़ी, लोगों में casteism आना start हो गया, लोगों में caste consciousness generate होनी start होगी, and that is why he was criticizing the Britishers, right? I hope you are able to understand this. तो घूरे बोलते हैं caste in modern India, that is British India and post British India, right, in modern India, that is I am talking about British India and post independence period. ठीक है, वो बोलते हैं it is a source of division, hostility and conflict in Indian society, and since Ghure was a nationalist, he wanted Hindu society to be unified and integrated, right. So this is why he was criticizing the institution of caste, that caste in modern India has become a source of division, hostility and conflict. Iska reason kya kya ho sakta hai? Because ek to reason unhone yahi bataya ki jab se British aaye hain to Britishers
राइट, थ्रू दिस कास्ट सेंसस, थ्रू दिस कास्ट सेंसस प्लस ब्रिटिश ओरिएंटलिज्म, राइट, या हम सिंपली ओरिएंटलिज्म लिख देते हैं, ओरिएंटलिज्म लाइक आर्यन इन्वेजन थियरी, रेशियल थियरी ऑफ कास्ट, ठीक है, इट हैज ब्रिटिशर्स हैव क्रिएटेड इंक्रीज्ड कास्ट कॉन्शियसनेस, इंक्रीज्ड कास्ट अवेयरनेस अमंग द इंडियंस, ठीक है, ओरिएंटलिज्म भी आया, और दिस ब्रिटिशर्स व्हाट दे हैव डन, हाउ डिड दे क्रिएट, दे आर क्रिएटिंग डिवीजन, हॉस्टिलिटी एंड कंफ्लिक्ट, राइट, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिएंटलिज्म एंड कास्ट कॉन्शियसनेस वी कैन से कि दे आर क्रिएटिंग अपर कास्ट वर्सेस लोअर कास्ट डिवाइड, दे आर डिवाइडिंग अपर कास्ट और पिटिंग लोअर कास्ट अगेंस्ट द अपर कास्ट, राइट, आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है, दे आर पिटिंग आर्यंस अगेंस्ट द द्रविडियंस, आर्यन इन्वेजन थियरी सेड कि आर्यंस माइग्रेटेड टू इंडियन सबकॉन्टिनेंट, इंडिया वॉज नॉट एन एम्प्टी स्पेस एंड दे केम इन टू कॉन्टेक्ट विद द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड दिस हड़प्पन सिविलाइजेशन पीपल वर ओरिजिनली द्रविडियंस, आर्यंस इमर्ज्ड एज विनर्स ड्यू टू पुश फैक्टर दिस द्रविडियंस दे रिट्रीटेड टू द सदर्न पोर्शन ऑफ इंडिया, सो दे आर क्रिएटिंग आर्यन वर्सेज द्रविडियन ट्राइब, दे आर क्रिएटिंग नॉर्थ इंडिया वर्सेज साउथ इंडिया डिवाइड, और दिस वॉज ए दिस डिविजन एंड हॉस्टिलिटी एंड कंफ्लिक्ट, राइट, इट इज मैनिफेस्टेड मैनिफेस्टेड इन वेरियस कास्ट बेस्ड मूवमेंट्स, मल्टीपल कास्ट बेस्ड मूवमेंट्स, राइट, एंड मैनिफेस्टेड इन वेरियस कास्ट बेस्ड मूवमेंट्स, राइट, एंड दिस कास्ट बेस्ड मूवमेंट्स गॉट देयर आइडियोलॉजी, गॉट देयर आइडियोलॉजी थ्रू ओरिएंटलिज्म, थ्रू द इंक्रीज कास्ट अवेयरनेस, कास्ट कॉन्शियसनेस, कास्ट अवेयरनेस थ्रू द कास्ट सेंसेस, राइट, सो दिस काइंड ऑफ लेड टू डिवीजन, हॉस्टिलिटी एंड कन्फ्लिक्ट बिटवीन डिफरेंट कास्ट पीपल बिलोंगिंग टू द डिफरेंट कास्ट, एंड दिस मैनिफेस्टेड इन वेरियस कास्ट बेस्ड मूवमेंट्स, राइट, तो फॉर एग्जाम्पल महर्स इन महाराष्ट्र दे लॉन्च अ मूवमेंट, राइट, एंटी ब्राह्मीण मूवमेंट, एंटी ब्राह्मीण मूवमेंट, राइट, इन साउथ इंडिया मद्रास, मद्रास प्रोविंस में या मद्रास प्रेसिडेंसी में, ठीक है, एंटी ब्राह्मीण मूवमेंट, या फिर इसको हम बोल सकते हैं बैकवर्ड क्लास मूवमेंट, ठीक है, लॉन्च मूवमेंट लॉन्च्ड बाय परियार, परियार दैट इन केरला, ठीक है, नाउ दिस मूवमेंट्स, राइट, दीज आर अंडरमाइनिंग द यूनिटी द इंटीग्रिटी एंड सॉलिडारिटी अमंग्स द इंडियंस, राइट, वन ग्रुप ऑफ इंडियंस आर पिटेड अगेंस्ट अनदर सेक्शंस ऑफ इंडियन एंड मैनिफेस्टेशन ऑफ दिस इज द वेरियस कास्ट मूवमेंट्स दैट आर गोइंग इन डिफरेंट पोर्शंस ऑफ इंडिया, right, and these caste movements derive their ideology and legitimacy, or we can say they are inspired from this British orientalist theories and caste census, right, due to increased caste awareness, caste consciousness, these lower castes know that they are being oppressed, subjugated, they belong to a different race, right, they are extended bad and low menial occupations, and they are giving vent to their grievances in the form of various movements, but according to him this is undermining unity, solidarity and integration among the Indians, and this is undermining nationalism, right, and it is a product of British divide and rule. So this is how caste is emerging as a source of conflict in modern India. This is one of the reason, right, the first reason, let us consider it to be A. Second is B, reservation. ठीक है, ना घूरे तो हम खाली ब्रिटिश इंडिया नहीं, पोस्ट ब्रिटिश इंडिया की या पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया की बात कर रहे हैं. घूरे वॉज अगेंस्ट द पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन.
वाई वाज ही अगेंस्ट द पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन, क्योंकि वो बोलते हैं कि जब तक रिजर्वेशन रहेगा जब तक कास्ट रहेगी, राइट right? जब तक रिजर्वेशन है जब तक कास्ट रहेगी, बिकॉज रिजर्वेशन इज गोइंग टू परपेचुएट राइट द डिस्टिंक्शन बेस्ड ऑन बर्थ. दिस इज गोइंग टू परपेचुएट द डिस्टिंक्शंस बेस्ड ऑन बर्थ राइट. Because people are continuously going to assert their caste identity, caste identity, continuously going to assert their caste identity in order to secure the secular benefits of employment and access to education. Now Ghurye was of the view that this is not the right policy to give social justice to the lower caste. There should be other measures, alternative measures which should be carried on by the state and the society in order to ensure social justice to the lower caste. But this is not the way, right? Because you are continuously asserting your caste identity, right? And this is continuously going to be perpetuating, this is continuously for eternity it is going to perpetuate distinction based on birth, and it is going to perpetuate casteism in case of India. Caste consciousness will remain, caste awareness will remain, and caste will sustain. And it will keep the Indians divided. Read, whenever you say, talking about Indians, read Hindus. Keep the Indians divided. That is why he was against caste. And again, something casteism, caste awareness or caste consciousness hogi, it will, according to him, it will unleash the specter or ghost of caste patriotism. Theek hai. Now let us discuss what is caste patriotism. Because this is something which could be asked in the form of 10 marker, right? And even if it's not asked, you should be aware of, because you can use this at multiple places, right? This is a very important concept which you can use at multiple places. Now, what is caste patriotism? Caste patriotism involves not only awareness, but assertion of one's caste identity. Caste patriotism means, what is patriotism? Right? It means being proud of or glorify one's caste identity. Right? It involves forging of unity. Patriotism is linked to unity, integration, right? Unity and solidarity amongst the members of the caste, right? Amongst the members of the caste. Amongst the members of the caste, that is solidarity within the caste. Within the
कास्ट, राइट, दिस इज समथिंग विच इज नोन एज कास्ट पैट्रियोटिज्म, ठीक है. नाउ सी, कास्ट पैट्रियोटिज्म के मल्टीपल कॉजेज हो सकते हैं, लेकिन कास्ट पैट्रियोटिज्म वॉज अनलिस्ट ड्यू टू मल्टीप्लिसिटी ऑफ फैक्टर्स, वॉज अनलिस्ट इन केस ऑफ इंडिया ड्यू टू अ मल्टीप्लिसिटी ऑफ फैक्टर्स, राइट. फर्स्ट वन इज, फर्स्ट दैट वी हैव टू स्टडी इज द कंसेप्ट ऑफ, द कंसेप्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल सॉलिडैरिटी ऑफ कास्ट, हॉरिजॉन्टल सॉलिडैरिटी ऑफ कास्ट, ठीक है. ये जो कीवर्ड है और ये जो टर्मिनोलॉजी है, ये दी किसने थी? ये दी थी एम एन श्रीनिवास ने, ठीक है. लेकिन उसके बारे में घुरे भी बात करते हैं जब कास्ट पेट्रोटिज्म की बात करते हैं. वो हॉरिजॉन्टल सॉलिडैरिटी ऑफ कास्ट ऐसा वर्ड यूज नहीं करते हैं, बट यू कैन यूज इट, राइट, व्हेन आई यू बी राइटिंग आंसर रिलेटेड टू कास्ट पेट्रोटिज्म. तो सी, कास्ट, इसका मतलब क्या है? घुरे बोलते हैं कि अर्लियर, दैट इज प्रायर टू ब्रिटिश, प्रायर टू ब्रिटिश, कास्ट वॉज अ लोकलाइज्ड कंसेप्ट, कास्ट वॉज अ लोकलाइज्ड कॉन्सेप्ट, कास्ट वॉज अ लोकलाइज्ड कंसेप्ट, ठीक है. हम पढ़ेंगे आगे भी ए आर देसाई में कि अर्लियर जो मैन था उसका सोशल वर्ल्ड वॉज लिमिटेड टू हिज विलेज और अ ग्रुप ऑफ विलेजेस, राइट. तो दिस वॉज हिज लाइफ वर्ल्ड, दिस वॉज हिज वर्ल्ड व्यू, इट वॉज लिमिटेड टू विलेज, राइट. देर वॉज नॉट फ्रीक्वेंट कॉन्टेक्ट बिटवीन पीपल ऑफ डिफरेंट रीजन्स, कोई फ्रीक्वेंट कॉन्टेक्ट नहीं थे. तो मैन एक लोकलाइज वर्ल्ड में रहता था उस टाइम पे, एक लोकल लोकलाइज वर्ल्ड लिमिटेड टू विलेज और अ ग्रुप ऑफ विलेजेस, ठीक है. तो उस टाइम पे जो कास्ट एज ए कंसेप्ट, इट वॉज अ लोकलाइज कंसेप्ट, ठीक है. कास्ट हिरार्की वॉज अ लोकलाइज हिरार्की, ठीक है. कास्ट हिरार्की लोकलाइज थी, मतलब एक पर्टिकुलर विलेज और ग्रुप ऑफ विलेजेस में कुछ कास्ट होंगी, ठीक है, उनकी हिरार्की भी होगी, ये पर लोकलाइज्ड हिरार्की होगी, ठीक है. एक पर्टिकुलर रीजन में कुछ पर्टिकुलर कास्ट होंगी. अब दूसरे रीजन की तरफ मूव करोगे तो कास्ट का डेमोग्राफिक्स चेंज हो जाएगा, डिफरेंट कास्ट आएंगी वहाँ पे, ठीक है. तो डिफरेंट टाइप ऑफ हिरार्की होगी वहाँ पे, ठीक. तो कास्ट क्या था? एक लोकलाइज कंसेप्ट था, एक लोकलाइज्ड हिरार्की थी, क्यों? पीपल वर नॉट इंटरेक्टिंग, डिफरेंट रीजन्स वर नॉट इंटरेक्टिंग विद ईच अदर, देयर वाज नॉट फ्रीक्वेंट कम्युनिकेशन, राइट. सो मैन वर्ल्ड वॉज लिमिटेड टू हिज लोकलाइज्ड सराउंडिंग्स, राइट. तो कास्ट वॉज अ लोकलाइज कंसेप्ट. और यहाँ पे क्या था? देर वॉज समथिंग विच श्रीनिवास कॉल्स एज द वर्टिकल सॉलिडैरिटी ऑफ कास्ट, वर्टिकल सॉलिडैरिटी ऑफ कास्ट. इसका क्या मतलब है? कि एट विलेज लेवल, एट विलेज लेवल different castes were dependent on each other, right? Different castes they were dependent on each other, ठीक है. सी, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, सब्सटेंशियलाइजेशन ऑफ कास्ट, इसी को डोमो बोलते हैं, सब्सटेंशियलाइजेशन ऑफ कास्ट, पहले भी पूछा जा चुका है, ठीक है. वर्टिकल सॉलिडैरिटी ऑफ कास्ट एट विलेज लेवल, डिफरेंट कास्ट वर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, राइट, बिकॉज देयर वाज एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अमंग दीज कास्ट, राइट. सो ईच कास्ट वॉज डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, राइट. इफ यू वॉन्ट टू गेट यूर हेयर कट, यू नीड टू विजिट एन आई, राइट, ठीक है. ऐसे ही इफ यू वॉन्ट टू गेट द कार्कसिस ऑफ द कैटल रिमूव फ्रॉम योर हाउस, यू नीड टू डिपेंड ऑन द पीपल ऑफ द लोअर कास्ट, राइट. ऐसे ही इफ यू नीड टू परफॉर्म सर्टेन रिचुअल्स, देन यू नीड टू डिपेंड ऑन ब्राह्मिन्स, राइट. सो देर वॉज इंटर डिपेंडेंस, राइट. तो वर्टिकल सॉलिडैरिटी ऑफ कास्ट थी, क्योंकि ये जो हिरार्की थी, ये जो हिरार्की थी, राइट, दिस इज वर्टिकल, ठीक है.
ये जो हायरार्की थी इसमें डिफरेंट कास्ट वर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज वर्टिकल सॉलिडैरिटी ऑफ कास्ट, राइट। दिस इज रिलेटेड टू द ऑर्गेनिक सॉलिडैरिटी कंसेप्ट ऑफ डुर्खाइम। तो वर्टिकल सॉलिडैरिटी थी, राइट, वर्टिकल सॉलिडैरिटी, डिफरेंट कास्ट इन द हायरार्की, राइट, कास्ट हायरार्की लोकल थी, डिफरेंट कास्ट इन द हायरार्की, दे वर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, सो देयर वाज अ सॉलिडैरिटी बिकॉज देयर वाज इंटरडिपेंडेंस अमंग द कास्ट, राइट, दे वर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर सस्टेनेंस ऑफ देयर लाइवलीहुड, फॉर एक्सचेंज ऑफ मल्टीपल गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। अब हुआ क्या, एक तो ये कंसेप्ट है, दूसरा कंसेप्ट ये था कि कास्ट कॉन्शियसनेस नहीं थी लोगों में, मतलब ये सब प्रैक्टिस तो था लेकिन ऑल इंडिया लेवल पे कास्ट आइडेंटिटी फिक्स्ड नहीं थी, ठीक है। अब ब्रिटिशर्स आए तो घोरे बोलते हैं, और सेम आर्ग्यूमेंट एम एन श्रीनिवास के भी हैं, द कास्ट बिकेम एन ऑल इंडिया कॉन्सेप्ट, एन ऑल इंडिया, और द बेटर वर्ड वुड बी, द बेटर वर्ड वुड बी पैन इंडिया कॉन्सेप्ट, पैन इंडिया कॉन्सेप्ट। कैसे हुआ क्या कि आपकी एक कास्ट एक लोकलाइज्ड रीजन में है, एक लोकल विलेज में है, ठीक है। अब ब्रिटिशर्स आए तो इन्होंने क्या किया, दे काइंड ऑफ प्रमोटेड पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड टेरिटोरियल इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, प्लस दे वर बेटर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज, राइट, ठीक है। ड्यू टू दिस एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ड्यू टू दिस पीपल, राइट, पीपल बिलोंगिंग टू सिमिलर कास्ट, सिमिलर मतलब सेम स्टेटस हो, सेम लेवल हो, या सेम ऑक्यूपेशन हो पर अलग अलग जगह पे नाम अलग अलग है, ठीक है, सरनेम अलग अलग है। तो पीपल बिलोंगिंग टू सिमिलर कास्ट, राइट, एक कास्ट का जो होराइजन है उसमें भी मल्टीपल कास्ट आ सकती है सिमिलर ऑक्यूपेशन की, ठीक है। पीपल बिलोंगिंग टू द सिमिलर कास्ट, दे स्टार्टेड associating, right, and identifying with each other, ठीक है। तो एक कास्ट होती है उसमें मल्टीपल सब कास्ट होती है, सब कास्ट में भी सब कास्ट होती हैं, ठीक है। तो जैसे बनिया समाज है उसमें अग्रवाल है, अग्रवाल के अंदर भी मल्टीपल सब कास्ट होती हैं, ऐसी ब्राह्मिण्स है, ब्राह्मिण्स में मल्टीपल सब कास्ट होती है और उन सब कास्ट की भी सब कास्ट होती है, ठीक है। जैसे हम पढ़ेंगे अय्यर अय्यंगर, राइट, समर्थाज, ये सब हम पढ़ेंगे जब हम बेटे के बारे में बात करेंगे। तो इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। अब हुआ क्या कि ये पीपल बिलोंगिंग टू द सिमिलर कास्ट, राइट, मतलब सिमिलर स्टेटस हो, सिमिलर लेवल पे हो, दे स्टार्टेड एसोसिएटिंग एंड इंटरेक्टिंग विद ईच अदर, ठीक है। एंड दिस लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ, दिस लेड टू इंक्रीज्ड फीलिंग ऑफ कम्युनिटी, increased feeling of community association within the caste, right? Community spirit, हम बोल सकते हैं increased feeling of community spirit within the caste. अब वो होगा क्या इससे, इसका outcome क्या था, is the we can say various caste associations they started springing up all over India, they started emerging all over India. जैसे मैं आपको बोलूं ब्राह्मण समाज एक caste association है, ठीक है। तो इसमें ऑल इंडिया के जितने भी ब्राह्मण समाज से है, मतलब कम्युनिटी एस्पेक्ट बढ़ा रहा है, कम्युनिटी स्पिरिट ऑफ कास्ट बढ़ा रहा है, राइट, कम्युनिटी स्पिरिट विद इन द कास्ट और कम्युनिटी एस्पेक्ट ऑफ कास्ट उसको बढ़ा रहा है। तो जितने भी ब्राह्मण समाज है
इसमें ब्राह्मण्स में भी मल्टीपल कास्ट हैं, राइट, देर इज लॉट ऑफ डाइवर्सिटी, देर वॉज लॉट ऑफ कास्ट, सब सब कास्ट, राइट, है. ऐसे ही ब्राह्मण समाज एक एसोसिएशन बना दी जिसमें ब्राह्मण लीडर्स फ्रॉम ऑल ओवर द इंडिया आर गोइंग टू कनेक्ट विद ईच अदर, राइट. ऐसे ही क्या हुआ, अग्रवाल महासभा, राइट, यहाँ पे भी मल्टीपल सब कास्ट है, सब सब कास्ट है, दे ऑल गॉट एसोसिएटेड विद ईच अदर एंड देवर ब्रॉट विद इन द अम्ब्रेला ऑफ दिस कास्ट एसोसिएशन. तो मल्टीपल कास्ट का एसोसिएशन हो गया, एक ब्रॉड अम्ब्रेला जो है ऑर्गेनाइजेशन बनाए, इनको कास्ट एसोसिएशन बोला. ऐसे ही जाटव एसोसिएशन, राइट, ऐसी जाट्स का एसोसिएशन. तो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस. पहले क्या था, राइट, एक लोकलाइज्ड विलेज था, उसमें एक हिरार्की थी, यहाँ पे डिफरेंट कास्ट के बीच में वर्टिकल सॉलिडारिटी थी, ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी थी. ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट जगह पे ऐसा था. एंड दीज वर नॉट इन इंटरेक्शन विद ईच अदर, दे वर नॉट अवेयर ऑफ ईच अदर, राइट, दे वर नॉट नो इंटरेक्शन और एसोसिएशन. अब ब्रिटिशर्स का कब आया, ब्रिटिशर्स के आने के बाद क्या हुआ, ब्रिटिशर्स यूनाइटेड एंड इंटीग्रेटेड पॉलिटिकली एंड एडमिनिस्ट्रेटिवली एंड वी कैन से टेरिटोरियली इंटीग्रेटेड इंडिया इंटू वन सिंगल स्टेट और वन सिंगल पॉलिटिकल एंटिटी, और उसमें यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेशन होगा. अब हुआ क्या, वेन ऑल दिस वर कास्ट वर ब्रॉट विद इन द सिंगल फोल्ड, तो अब क्या होगा, जैसे एक कास्ट यहाँ पे जो एक पर्टिकुलर लेवल पे है, सिमिलर लेवल पे और कोई कास्ट है, राइट, जैसे अग्रवाल महासभा मैंने बोला, तो ऑल ओवर पीपल बिलोंगिंग टू दिस ब्रॉडर कास्ट आइडेंटिटी और ब्रॉडर, हम बोल सकते हैं ब्रॉडर वर्णा, दे स्टार्टेड एसोसिएटिंग एंड इंटरेक्टिंग विद ईच अदर. तो ये लोगों ने आपस में मिलके, राइट, अपनी एक अलग से कास्ट एसोसिएशन बना ली. तो इसको कास्ट पेट्रियोटिज्म क्यों बोला गया, एक तो पीपल बिलोंगिंग टू द सिमिलर कास्ट और सिमिलर सब सब कास्ट, राइट, देर इज लॉट ऑफ फ्रेगमेंटेशन एंड डाइवर्सिटी विद इन द कास्ट, फ्रॉम ऑल इंडिया लेवल, पैन इंडिया लेवल, दे स्टार्टिंग इंटरेक्टिंग एंड एसोसिएटिंग विद ईच अदर. तो उनके बीच में क्या बनने लग गए, कम्युनिटी स्पिरिट बनने लग गया, उनके बीच में बॉन्ड्स बनने लग गए कास्ट के बीच में, मतलब एक पर्टिकुलर कास्ट के. तो इससे क्या होगा कि पहले तो क्या थी, वर्टिकल सॉलिडारिटी थी, अब क्या हुआ, सेम कास्ट सिमिलर स्टेटस विद इन द लोकलाइज्ड हायरार्की अक्रॉस इंडिया, दे स्टार्टेड इंटरेक्टिंग विद ईच अदर. तो वो क्या हुआ, दिस लेड टू हॉरिजॉन्टल सॉलिडारिटी. ये सारी डिफरेंट कास्ट बना के एक एसोसिएशन बना ली, और ये कास्ट एक पर्टिकुलर स्ट्रेटा में लाई करेगी इंडियन सोसाइटी में, राइट. ऐसे ब्राह्मण समाज, दिस लेड टू हॉरिजॉन्टल सॉलिडारिटी. तो वर्टिकल सॉलिडारिटी जो कि ऐसे थी, इट वॉज रिप्लेस्ड बाय हॉरिजॉन्टल सॉलिडारिटी विद इन द कास्ट बिलोंगिंग टू द सिमिलर स्टेटस पैन इंडिया, राइट. आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस. सो दिस इज हाउ वर्टिकल सॉलिडारिटी ऑफ कास्ट वॉज रिप्लेस्ड बाय हॉरिजॉन्टल सॉलिडारिटी ऑफ कास्ट, ठीक है. अब हुआ क्या, मॉडर्न टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से और क्या क्या हुआ. सी, आप ये देखोगे, मॉडर्न ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन आया, तो जैसे रेलवेज आया, रेलवेज प्रोवाइडेड मोबिलिटी टू दिस पीपल, राइट, एंड इट प्रोवाइडेड देम द अपॉर्चुनिटी टू मीट ईच अदर एट सर्टेन प्लेस, टू ऑर्गेनाइज द कॉन्फ्रेंस, टू ऑर्गेनाइज देयर कास्ट एसोसिएशन, राइट, मोबिलिटी बढ़ी. ऐसी रेडियो आया, न्यूज़पेपर आया, इसके माध्यम से दीज कास्ट एसोसिएशंस कुड प्रोपोगेट देयर आइडियोलॉजी, कुड प्रोपोगेट देयर व्यूज टू द फेलो कास्टमैन अक्रॉस इंडिया हु बिलोंग टू द सिमिलर कास्ट स्टेटस, राइट. इस कास्ट एसोसिएशन में भी डिफरेंट डिफरेंट कास्ट हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑक्यूपेशंस हो सकते हैं, लेकिन जो सिमिलर कहीं ना कहीं सिमिलैरिटी है, कुछ ना कुछ ओवरलैप, वो मान के चलते हैं, ठीक है. ऐसे ही माइक्रोफोन आया कि पहले तो एक कास्ट का बंदा उस लिमिटेड नंबर ऑफ लोगों को एड्रेस कर सकता, माइक्रोफोन से क्या वो पूरी की पूरी क्या है, गैदरिंग को, रैली को एड्रेस कर सकता, राइट. एंड दिस इज हाउ कास्ट पेट्रियोटिज्म स्टार्टेड इमर्जिंग, कास्ट एसोसिएशन स्टार्टेड इमर्जिंग, एंड कम्युनिटी एस्पेक्ट ऑफ कास्ट स्टार्टेड डेवलपिंग, राइट. और डिफरेंट कास्ट के क्या है, ब्लॉक्स बन गए, डिफरेंट कास्ट के क्या है, हॉरिजॉन्टल ब्लॉक्स बन गए, राइट. इसको सब्सटेंशियलाइजेशन बोलते बाद में. तो दीज बिकेम द इम्पेनिट्रेबल ब्लॉक्स, दीज, इनके अक्रॉस क्या, कोई मोबिलिटी नहीं थी, पहले तो मोबिलिटी थी, फिक्स आइडेंटिटी नहीं थी, राइट. अब ये कि दिस बिकेम द हॉरिजॉन्टल ब्लॉक्स, दिस बिकेम द इम्पेनिट्रेबल ब्लॉक्स विद फिक्स्ड कास्ट आइडेंटिटी, राइट. सो नॉट ओनली दिस, ठीक है. अब क्या हुआ, ये जो कास्ट एसोसिएशंस हैं, इनके लीडर्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट रीजन, leaders of this caste belonging to different regions
different regions, they started coming onto the common platform. तो ये different leaders ने common platform बनाया, that was his caste association, and they started advocating. Now this is important. They started advocating, projecting and promoting the interest of the fellow caste men. तो कास्ट पैट्रोटिज्म देख रहे हैं ना आप, इंटीग्रेशन सॉलिडेरिटी बढ़ रही है सिमिलर कास्ट लेवल पे, इसको कास्ट पैट्रोटिज्म बोला, राइट? आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस. ठीक है, अब एक चीज और ये है कि दीज कास्ट आर लिंक्ड टू दिस थ्रू द कास्ट एसोसिएशंस. कास्ट इज इंक्रीजिंगली गेटिंग लिंक्ड टू पॉलिटिक्स. व्हाई? बिकॉज एक तो ये कास्ट एसोसिएशंस क्या है, प्रेशर ग्रुप बनाते हैं अपने इंटरेस्ट को, फेलो कास्टमैन के इंटरेस्ट को एडवोकेट, प्रोजेक्ट और प्रमोट करते हैं, राइट? सो प्रेशर ग्रुप बनाते हैं, सो दिस इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ पॉलिटिक्स, राइट? वेयर दे आर काइंड ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द गवर्नमेंट टू मेक द पॉलिसी डिसीजंस इन देयर फेवर. जैसे मैं बोलूं, अगर मराठास, राइट, मराठास, जाट्स, पटीदार्स, राइट, दे फॉर्म द प्रेशर ग्रुप, द वेयर इन दे आर पुटिंग, दे आर एडवोकेटिंग, प्रोमोटिंग, प्रोजेक्टिंग देयर इंटरेस्ट, दे आर काइंड ऑफ पुटिंग द प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट एंड दे आर इन्फ्लुएंसिंग द पॉलिसी डिसीजंस ऑफ द गवर्नमेंट टू मेक द पॉलिसी डिसीजंस इन देयर फेवर, राइट? गुज्जर्स, एंड दैट इज वाई दे आर आस्किंग फॉर रिजर्वेशन, राइट? सो दिस इज हाउ कास्ट इज गेटिंग लिंक टू पॉलिटिक्स. एंड अनदर वे इन विच कास्ट इज गेटिंग लिंक टू पॉलिटिक्स, सिंस दिस कास्ट एसोसिएशंस आर पैन इंडिया और एटलीस्ट रीजनल, राइट, दे हैव स्ट्रेंथ ऑफ नंबर्स, राइट, एंड देयर बाय यूजिंग सोशल इंजीनियरिंग, राइट, दे कैन एंगेज इन पार्टी पॉलिटिक्स, दे कैन वोट फॉर सर्टेन पार्टीज, राइट, विच विल इन टर्न गिव देम कंसेशंस और वर्क इन देयर फेवर, राइट? सो इट इज अ काइंड ऑफ डेमोक्रेसी इन विच देर इज अ क्विड प्रो को. सो दिस इज हाउ कास्ट इज इंक्रीजिंगली गेटिंग लिंक टू पॉलिटिक्स. कास्ट अवेयरनेस इज इंक्रीजिंग इन केस ऑफ इंडिया. कास्ट आइडेंटिटी इज गेटिंग मोर स्ट्रेंथन्ड. देर इज एन असर्शन ऑफ कास्ट आइडेंटिटी, राइट? पीपल आर बींग प्राउड ऑफ देयर कास्ट आइडेंटिटी, एंड दैट इज वाई इफ यू सी ऑन द बैक ऑफ द कार्स, राइट, पीपल आर राइटिंग जाट्स, राइट? आई एम ऑल्सो माई सेल्फ अ जाट, राइट? दे आर बींग प्राउड ऑफ देयर आइडेंटिटी. दे आर राइटिंग ब्राह्मिन्स, राइट? सो दिस इज कास्ट पेट्रियोटिज्म. और ये जब तक रहेगा, जब तक कास्टिज्म रहेगा, जब तक कास्ट अवेयरनेस रहेगी, जब तक कास्ट कॉन्शियसनेस आएगी, जब तक कास्ट जाएगी नहीं लोगों के मन से, ठीक है? तो इसका एक तो फैक्टर ये था, कास्ट पेट्रोटिज्म का लिंक होने का, अनलिश होने का. दूसरा था रिजर्वेशन हमने देख लिया, ठीक है? व्हाई रिजर्वेशन इज द अनदर फैक्टर वी डिस्कस्ड दिस, बिकॉज देर इज कंटिन्यूस असर्शन ऑफ वंस कास्ट आइडेंटिटी, कंटिन्यूस प्रमोशन एंड प्रोजेक्शन ऑफ वंस कास्ट इंटरेस्ट, एंड पीपल आर असर्टिंग देयर कास्ट आइडेंटिटी इन ऑर्डर टू सिक्योर सेक्युलर बेनिफिट्स लाइक एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशन, एंड दैट इज हाउ परपेचुअल डिस्टिंक्शन बेस्ड ऑन कास्ट इज प्रमोटेड, एंड दैट इज वाई कास्ट विल रिमेन इन द हर्ट्स एंड माइंड्स ऑफ द पीपल. हाउ विल कास्ट वैनिश अंडर दिस, राइट? सो ऑल दिस रिजर्वेशन, ब्रिटिश कास्ट सेंसस, वन इज रिजर्वेशन, ब्रिटिश कास्ट सेंसस, ब्रिटिश ओरिएंटलिज्म, राइट, मॉडर्न पॉलिटिक्स, ऑल दिस इज लीडिंग टू कास्ट पैट्रियोटिज्म, राइट, वेर इन वर्टिकल सॉलिडेरिटी ऑफ कास्ट इज रिप्लेस बाय हॉरिजॉन्टल सॉलिडेरिटी ऑफ कास्ट, ठीक है? और आप देखो कि मॉडर्न इंडिया में डिवीजन, हॉस्टिलिटी और कंफ्लिक्ट क्यों बढ़ रहा है डिफरेंट कास्ट के बीच में. डिवीजन, हॉस्टिलिटी और कंफ्लिक्ट डिफरेंट कास्ट के बीच में इसलिए बढ़ रहा है बिकॉज नाउ दीज different caste association, right, these different caste associations or horizontal block of caste, right,
मेरा थोड़ी राइटिंग खराब चल रही है राइट लास्ट फेस है, लेकिन आई होप यू आर नॉटिंग इट आउट इन अ मोर नीट एंड क्लियर एंड प्रिसाइज मैनर, बिकॉज आपका क्वेश्चन पूछा जा सके, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन राइट। तो कास्ट एसोसिएशन और हॉरिजॉन्टल ब्लॉक ऑफ कास्ट क्या है, डिफरेंट हॉरिजॉन्टल ब्लॉक्स ऑफ कास्ट के बीच में क्या है, देर इज इंक्रीजिंग कंपटीशन राइट, देर इज इंक्रीजिंग कंफ्लिक्ट। व्हाई देर इज इंक्रीज कंपटीशन और कंफ्लिक्ट, बिकॉज देर इज स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सिस, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सिस एंड दीज डिफरेंट कास्ट आर कंपीटिंग फॉर द रिसोर्सिस एंड दीज रिसोर्सिस कुड बी व्हाट, जॉब्स राइट, एजुकेशनल एक्सेस एंड दिस इज समथिंग विच इज प्रमोटिंग कास्ट डिविजन हॉस्टिलिटी कंफ्लिक्ट इन केस ऑफ इंडिया। तो यहां पे आप लिंक कर सकते हो कास्ट पेट्रियोटिज्म को कास्ट कंफ्लिक्ट के साथ भी, कास्ट कंफ्लिक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आप इस डायमेंशन को भी ऐड कर सकते हैं। नाउ अब गोरे का क्या मानना है, सी गोरे का मानना है, गोरे अल्टीमेटली आप लिख सकते हैं, दिस इज समथिंग आई एम डिक्टेटिंग टू यू ठीक है, यू कैन राइट दिस डाउन, आई एम डिक्टेटिंग दिस टू यू ठीक है। गोरे वॉज होपफुल, गोरे वॉज होपफुल दैट मॉडर्न फोर्सेज राइट, दिस इज हाउ यू कुड बी कंक्लूडिंग दैट मॉडर्न फोर्सेज ऑफ अर्बनाइजेशन इंडस्ट्रियलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन एंड सेकुलराइजेशन विल लीड टू डिसोल्यूशन ऑफ स्पिरिट ऑफ कास्ट फ्रॉम इंडिया ठीक है। गोरे बोलते हैं, गोरे सेज दैट एक्सीजेंसीज राइट, एक्सीजेंसीज और कंटिंजेंसीज ऑफ मॉडर्न लाइफ विल फोर्स हिंदूज टू चेंज देयर कल्चर एंड वे ऑफ लाइफ राइट, टू फोर्स देयर कल्चर एंड वे ऑफ लाइफ। गोरे ऑल्सो हैड ग्रेट फेथ, गोरे ऑल्सो हैड ग्रेट फेथ इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया राइट, विच गारंटीड इक्वालिटी ऑफ ऑल, which guaranteed abolition of untouchability, which guaranteed social justice and protection of rights of different lower castes, right? ठीक है, तो अगर आप इसको फिर लिंक कर सकते हो आंद्रे बेते, हम मैं पढ़ाऊंगा आपको कास्ट क्लास एंड पावर के बारे में बात करते हैं, और इसमें वो यही बोलते हैं कि जो कास्ट है वो रिट्रीट कर गई है डिफरेंट डोमेन्स से, बट कास्ट इसलिए सर्वाइव कर रही है ड्यू टू पॉलिटिक्स, ड्यू टू असर्शन ऑफ कास्ट आइडेंटिटी, दैट इज वाई कास्ट इज सर्वाइविंग। तो उससे आप लिंक कर सकते हो कि कास्ट का क्या है, देर इज डिक्रीजिंग और रिट्रीटिंग रोल, और कास्ट इज रिट्रीटिंग फ्रॉम डिफरेंट स्फेयर्स ऑफ ह्यूमन लाइफ, दिस इज वॉट घोरे बेते आर्ग्यूज, और कहीं ना कहीं इन कनेक्शन विद घोरे ये आर्ग्यूमेंट लिंक कर सकते हो ठीक है। कास्ट इज रिट्रीटिंग फ्रॉम डिफरेंट स्फेयर्स ऑफ ह्यूमन लाइफ राइट, अंडर द इम्पैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन देर इज ग्रेटर सोशल इंटरेक्शन एंड इंटरकोर्स बिटवीन डिफरेंट कम्युनिटीज विद इन इंडिया राइट, पीपल आर डाइनिंग एट द सेम डाइनिंग एट द सेम प्लेस इन मॉडर्न ऑफिसेज राइट, पीपल आर डाइनिंग कलेक्टिवली इन मॉडर्न ऑफिसेज राइट, इन मॉडर्न स्कूल्स इन मॉडर्न एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड कास्ट इंटरमैरिजेस आर ऑन द राइज राइट। Apart from caste, one's class is also taken into account to choose a suitable soulmate, right? This is what he is arguing. But he says caste is surviving due to its linkage with the politics, right? And जब तक वो vote banks रहेंगे, vote considerations रहेंगे, caste is going to survive. This is something I'm talking on a very, you can say very vague basis, and we'll deal it in detail when we'll be talking about Andre Bete. और अंबेडकर भी यही बोलते हैं कि विलेजेस आर द डेंस, विलेजेस आर द डेंस ऑफ ऑपरेशन इग्नोरेंस एंड सप्रेशन, विलेज इंडिया रूरल इंडिया जब तक रहेगा कास्ट रहेगी, विलेजेस आर द डेंस ऑफ ऑपरेशन इग्नोरेंस एंड सप्रेशन ठीक है। मैंने आपको एग्जांपल दिया, माय फ्रेंड वेंट टू दिस हिज विलेज, वहां पे I gave you the example how caste is still a major factor in shaping social interaction, right? In shaping one's social status within the society. तो वो बोल रहे हैं, तो इससे मैं क्या कहना चाहता हूँ,
कि रूरल इंडिया शुड बी गिविंग वे टू द अर्बनाइजेशन, बिकॉज अर्बनाइजेशन इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा देन क्या है, वंस कास्ट आइडेंटिटी इज गोइंग टू वैनिश, क्लास आइडेंटिटी विल बी एम्फसाइज्ड ऑन, राइट, एंड अर्बन इंडिया में आपको एनोनिमिटी भी मिलती है, राइट, ठीक है. सो दिस इज समथिंग दैट यू कैन कंक्लूड विद, राइट. सो दिस वॉज घोरे ऑन कास्ट. यहाँ पे मैंने बात नहीं कही है फीचर्स ऑफ कास्ट सिस्टम की, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. घोरे स्पेशली टॉक्स अबाउट 6 डिफरेंट फीचर्स ऑफ कास्ट सिस्टम, उसको मैं डिटेल में देखेंगे. वैन विल बी टॉकिंग अबाउट कास्ट इन डिटेल, राइट. कास्ट का अलग चैप्टर है, ठीक है.